Well, well, how's the doing? यार वीडियो बन चुकी है अब ये जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो बनने के बाद कर रही हूँ तो वीडियो बहुत सॉलिड बनी है एंड तक देखना अच्छे से करके जाना आज मेरा वेंटा वर्क नहीं कर रहा था एंड इट वाज सो पेनफुल टू राइट फ्रॉम द ट्रैक पैड मैंने जो लैपटॉप का ट्रैक पैड होता है उसी से लिखने की ट्राई करी है तो समझ में आ जाएगा मैंने जितना पुलिस समझाना चाहता था उतना मैंने समझाया अच्छी खासी वीडियो बनी है तो कंपाइल कम्पाइल हो गया डेढ़ से दो घंटे की मिल जाएगी तो वन टू थ्री फोर चारों यूनिट समझाइए कॉपी पेन लेके आ जाओ फटाफट से बैठ जाओ और उठ के नहीं जाना बीच में यार एक बार में खत्म करके जाना ठीक है उसके बाद फिर टू की स्पीड पर दोबारा देख के चीज़ों को रिवाइज कर लोगे मैं टाइम दिखाती हूँ बज गए इवन दो बजने रात के और ये काम अब खत्म किया है तो वेस्ट नहीं जानी चाहिए मेहनत तो मेरा खुद का एग्जाम है तुम्हें तो पता है है ना यू पीपल आर नोन तो अच्छे से बैठ के कर लो फटाफट से पेन पेपर लेके आओ और हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब कर दो चैनल को थाउजेंड सब्सक्राइबर्स का छोटा सा टारगेट रखा हुआ उसे फुलफिल चुल कर दोन टेक किया और वीडियो एंजॉय करना बताना कमेंट्स में कैसी लगी तो स्टार्ट कर देते हैं आई होप आप अपने पेन पेंसिल लेकर के कॉपी लेके बैठ गए होगे और मेरे साथ साथ लिखोगे यार मेरे को कोल्ड हो रहा है प्लस में कल मेरे कल मेरा एग्जाम है इसलिए तुम्हारे लिए वीडियो बनाई जा रही है विदाउट पेन टाइप तो आई होप तुम अच्छे से करोगे मेरा गले की हालत तो दिख रही होगी है ना इसलिए वीडियो में लेट हो गया प्लस मैं पेन टाइप भी काम नहीं कर रहा तो ये जो मैं लिखूंगी अब लैपटॉप से लिख रही होंगी ट्रैक पैड पर फिंगर मूव करके जो कि मुझे लिखने की हैबिट बिल्कुल नहीं है मैं पेन टाप से ही लिख पाती हूँ अब वो पॉसिबल भी नहीं होगा तो मैं कोशिश करूँगी अपनी मैक्सिमम स्वीट में बोलूँ इससे मैं डिटैच ही कर लेती हूँ आवाज़ नहीं आ रही होगी हाँ ठीक है तो अभी जितना कर सकते हैं फटाफट से करेंगे मैं आपको सारी यूनिट फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ ओवरव्यू करवा देती हूँ क्या क्या पढ़ना होता है वो बता देती हूँ ठीक है तो हमारा सब्जेक्ट है मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस इसमें यार मैंने सब्जेक्ट टॉप किया था तो जो जो बातें बोलूंगी प्लीज़ कॉपी पेन ले करके लिख लेना ठीक है ना ईजी सब्जेक्ट होता है हाँ तुम्हारे लिए हार्ड होगा अगर नहीं आ रहा समझ में बिकॉज मेरे पास मैक्सिमम क्वारीज़ ही हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा रट लें रट लें रट लें तो रटने की नीड नहीं पड़ रही होगी इतनी मैं गारंटी कर सकती हूँ कंडीशन यही है कि मेरे साथ साथ पढ़ोगे ठीक है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे आ जाते हैं ये तुम्हारी कौन सी पीडीएफ खुली हुई है मैंने मस्त डो वाली खोली हुई है यार हमारे सोशल्स पे हमें फॉलो कर सकते हो तुम्हें पता है यूट्यूब पे थाउजेंड सब्सक्राइबर्स का टायर है हमारा उसे कंप्लीट कर दो फटाफट भड़ से व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो प्लस में यहाँ पर मैं अपडेट करवा दूँगी हमारी साइट बन गई है तो तुम साइट पर भी जा करके काम देख सकते हो वहाँ पर सारा पी मटेरियल एफ मटीरियलियलियलियलियल है एसच कोई बहुत एक्स्ट्रा वैकेंस साइट नहीं बनाया गया हाँ बट तुम्हारे लिए बना दी कि जितना पी मटेरियल तुम्हें बार बार इधर उधर घूमना पड़ रहा था वो नहीं घूमना पड़ेगा सबसे पहले हमारे आ जाते हैं यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड मोस्टली टॉपिक्स हम आपको देते हैं हम आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन दे देते हैं सपोर्ट मटेरियल दे देते हैं उसके बाद आपको हमारी साइट पे वीडियो लेक्चर्स मिल रहे होते हैं वन टू वन गाइडेंस मिल जाती है और बहुत ही ज़्यादा वास्ट व्हाट्सअप कम्युनिटी है बेस्ट मोटिवेशन कंटेंट मिल जाता है कम्युनिटी ज्वाइन कर लोगे वाट्सएप की तो नोट्स मटीरियरियरियरियल वगैरह वगैरह गाइडेंस जितनी होती है वो मिल जाती

ठीक है तो इसमें मैंने क्या किया था सबसे पहले हेडिंग डाली है उसके नीचे सब हेडिंग्स है पहले हेडिंग है उसके नीचे सब हेडिंग्स है मैंने क्या किया है कि यूनिट नंबर वन में जो चीज़ें पूछी जाती हैं ये यूनिट नंबर वन है ठीक है ना यार चल नहीं रहा है बिल्कुल सच में तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना जितना लिख सकती हूँ उतना लिख दूँगी ठीक है तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में लास्टिक सीढ़ी हो गई प्लास्टिक सीढ़ी होगी स्टिफिनेस हो गई टफनेस हो गई इन सब पे क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ से निकाली है मैंने तुम्हारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में से निकाली है जो चीजें सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं वो चीज़ें हैं गेटिंग सिस्टम पूछा जाता है गेटिंग सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चिप्स और चैपलेट्स पूछा जाता है ठीक है ना पूछा ही पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ राइजर पूछा जाता है फंक्शन ऑफ कोर पूछा जाता है उसके बाद तुम्हारी कोपोला फर्नेस आती है एज सच तुम्हारी कोपोला फर्नेैस मिड टर्म में आ चुकी है तो ज़्यादा चांसेस नहीं है कि रिपीट हो रही होगी तो बस एक बार देख लेना ठीक है ना क्योंकि आ सकती है एस सच कुछ नहीं कह सकती क्योंकि तुम्हारे टाइम पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है अभी तक ट्वेंटी फाइव सेवेंटी फाइव वाला पैटर्न था वो भी चेंज कर दिया वो भी फोर्टी सिक्सटी ले आया है और हाँ मैं बता दूँ फोर्टी सिक्सटी पैटर्न चालू हो गया है क्योंकि काफी यूट्यूबर्स तो यही बोल रहे हैं कि अभी तक समझ गए तुम है ना कि लिया प्लस ले आओ 60 प्लस कहां से ले आओगे भाई पैटर्न ही वही चल रहा है फोर्टी uh, सिक्सटी वाला पांच मार्क्स एक्स्ट्रा हैंड राइटिंग थोड़ना दे देगी टीचर फोर्टी सिक्सटी पैटर्न हो चुका है तो तुम्हारे टाइम पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो अच्छे से करके जाना इसके बाद कास्टिंग आ जाती है कास्टिंग में कोशिश करूंगी तो मैं अच्छे से बता दूं कास्टिंग में हॉट कोल्ड चैम्बर कास्टिंग बहुत पूछी जाती है सेंट्रफिकल कास्टिंग एकदम स्टार मार्क कर लो ठीक है ना इन्वेस्टमेंट कास्टिंग पे स्टार मार्क कर लो कास्टिंग डिफेक्ट्स पे स्टार मार्क कर लो इसमें मैं कोई सी लिखनी भूल गई शेल कास्टिंग वाली जो होती है ना वो नहीं लिखा शायद मैंने यहाँ पे सेंट्रिफ्यूगल लिख दी इन्वेस्टमेंट लिख दी एक होती है हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग आई गेस हाँ ये इसी का पार्ट है वो प्रेशर आई कास्टिंग हूँ प्रेशर कास्टिंग बट प्रेशर कास्टिंग पे ऐस कोई क्वेश्चन नहीं आता इसलिए मैंने मेंशन नहीं करा है ठीक है फिर आ गया टाइप्स ऑफ पैटर्न टाइप्स ऑफ पैटर्न का क्वेश्चन आ जाता है बता दूँ तो टाइप्स ऑफ पैटर्न में वो क्या पूछता है तुमसे टाइप्स ऑफ पैटर्न ही पूछ लेता है कि कितने टाइप्स के होते हैं वो बता दो प्लस में पैटर्न की अलावेंसेज बता दो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हाँ बट एक बार देख सकते हो ऐसा जिस इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे इसके बाद दिखाती हूँ मैं तुम्हें यार साथ साथ ना मोस्ट रिपीटेड भी दिखाती जाऊंगी ठीक है यूनिट वन के ये, मैंने तुम्हें मस्टर डू दिखा दिए अब मोस्ट रिपीटेड दिखा देती हूँ फिर उसके बाद पढ़ाऊंगी जिससे कि तुम्हें पता चल जाए हमेशा होता है ना कॉम्प्रीहशन पैसे जिसमें पहले तुम क्वेश्चन पढ़ते हो फिर जाते हो उसे पढ़ने तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए तुम्हें तो ढूंढना क्या है जिससे कि हम जब पढ़े तो हमें पता हो अभी आ गए हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पे दोबारा से नहीं बोलूंगी सोशल फॉलो कर दो थाउजेंड का डायर है पूरा कर दो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं कराए तो हम्म यहाँ पे हम आ गए तो ये हैं आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कहाँ से निकाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में से निकाले हैं 2012 से लेकर के 2022 तक 2023 तक के पेपर इवन स्कम करके निकाले गए हैं प्रीवियस दस ईयर के पेपर्स का निचोड़ है तो अच्छे से कर लेना ठीक है ना अभी तुम्हारा सबसे पहले वहाँ पे देख रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल था दिखा दूँ ये देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल उसके ऊपर ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे थे इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा है मैंने वो लिखा है विद कि मार्क्स कितने मार्क्स में पूछा गया है देखो यहाँ पे डिफाइन द मैन्युफेक्चरिंग प्रोसेस पहले तो मैन्युफेक्चरिंग प्रोसेस बताओ फिर उसके बाद क्लासीफाई करो बहुत सारे मनुफेक्चरिंग प्रोसेस को कि कौन कौन से टाइप्स के होते हैं कुछ क्वेश्चन है टुच्चा क्वेश्चन है नोट्स में दिख जाएगा ठीक है जैसे कि तुम्हारे वो फेरेस नॉन फेरेस टाइप्स होते हैं वो भी नोट्स में दिखा दूंगी दिख जाएगा तुमको नेक्स्ट आ गया स्टिफनेस पूछी गई है अभी वहाँ पे लिखा हुआ था स्टिफनेस ढाई नंबर में डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी के बीच में डिफरेंस पूछा हुआ है दो मार्क्स में ये सारी की सारी डिफाइन्स मैंने एक बार में लिख दी ऐसा कोई कोई आठ नंबर का क्वेश्चन नहीं था बट ये डिफाइन एक एक नंबर में पूछी गई थी अलग 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 पेपर्स में तो मैंने सब कंपाइल करके लिख दी कौन कौन सी पूछी जाती है टफनेस की स्ट्रेंथ की डक्टिलिटी की रिजायलेंस की स्टिफनेस की मेलेबिलिटी की हार्डनेस की स्ट्रेंथ की हार्डनेस दो बार लिख दिया काट दो एक बार इलास्टिसिटी की ठीक है ये सारी पूछी जाती हैं इसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी हार्डनेस स्टिफनेस और स्ट्रेंथ हो जाती है ठीक है ये बहुत बार पूछा गया है तो मैंने तुम्हारा ये लिख दिया यही अभी ला दूंगी तुम्हें उसके बाद आता है तुम्हारा कार्बन स्टील जिसमें से कास्ट आयरन पूछा जाता है कार्बन स्टील और कास्ट आयरन इसमें तुमसे पूछा जाता है कि कितनी परसेंटेज ऑफ कार्बन चाहिए होती है ये बनाने के लिए प्रॉपर्टीज लिख दो और यूजेस लिख दो ये सब चीज़ें पूछी जाती है उसके बाद उसने कॉन्स्टिटेंट पूछ लिया तुमसे कास्ट आयरन के नेक्स्ट में उसने तुमसे पूछ लिया कि कास्ट जो कार्बन स्टील है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन बता दो फिर आ गया एप्लीकेशन ऑफ रॉट आयरन और स्टेनलेस स्टील बता दो ये सब चीजें पूछी जाती है रॉट आयरन वाले एक बार को छोड़ सकते हो क्योंकि रॉट आयरन मुझे एक ही बार दिखा है हाँ बार कास्ट, जो कास्ट आयरन है इसके बारे में पूछा जाता है नेक्स्ट गेटिंग सिस्टम पे ले आती हूँ अब तुम लोग कहोगे कि दीदी गेटिंग सिस्टम भी तो आ चुका मिड सेम में मिड सेम में आ चुका नो इश्यूज दोबारा से पूछा जा सकता है बिकॉज कुपोला फर्नेस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से एक ही चीज़ बनती है लॉन्ग आसा टाइप क्वेश्चन बनता है बट गेटिंग सिस्टम में बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं जैसे कि फंक्शन बता दो राइजर का बहुत 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 बार पूछा गया है ठीक है तीन चार बार आया हुआ है क्वेश्चन पीछे दिखा दो मैंने प्रिंसिपल ऑफ कास्टिंग पूछी जाती है और फिर पूछा जाता है गेटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करो पहले तो बताओ कास्टिंग क्या होती है प्रिंसिपल क्या है कास्टिंग का क्यों करते हो उसके बाद पूछा जाता है गेटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन कर दो फिर नेक्स्ट जो

फिर उसके बाद स्प्रू का जो साइज़ है वो नीचे जाते वक्त क्यों डाउनवर्ड हो जाता है और एक आइडियल शेप कब आती है स्प्रू में और कैसे आती है अगर मैं ओरली बता दूँ तो स्प्रू का साइज़ इसलिए डिक्रीज होता जाता है क्योंकि जो मेटल है वो नीचे 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 जाती जाएगी यहाँ से वो तुम्हारा रनर के थ्रू फ्लो करती है यहाँ से राइजर में से बाहर आती जाती है तो जब राइजर पूरा का पूरा भर जाता है तो अब हम ये मानते हैं कि मेरा जो कास्टिंग का अंदर वाला ब्लॉक था जो मेरी मोल्ड कैविटी थी वो पूरी भर गई होगी राधर अगर राइजर नहीं भरा तो मुझे क्या लगेगा मेरी कुछ स्पेस मोल्ड कैविटी की वैकेंट होगी अभी डायग्राम के थ्रू और एक बार अच्छे से बता दूंगी ये होता है इसका आंसर वट आर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ गेटिंग सिस्टम गेटिंग सिस्टम की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कहाँ कहाँ कैसे, कैसे कैसे लगाना होता है नेक्स्ट लेके चलती हूँ मैंने इसमें कुपोला फाइनेंस लिखा है कुपोला फाइनेंस किस किस टाइप से पूछा गया है जरूरी नहीं है कि तुमसे अगर कुपोला फाइनेंस यहाँ पे पाँच नंबर में या छः नंबर में आया था तो उससे ज़्यादा नंबर में यहाँ पे बन सकता है ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है तो ऐसे कर लेना एक और बार भी ठीक है छोड़ना मत कोई भी चीज़ तो यहाँ पे पूछा गया जाता है तुमसे उसके पु... इसमें ना डिफरेंट जोन्स पूछे गए थे ये देख रहे हो डिफरेंट टाइप ऑफ जोन्स और यही तुम याद नहीं करते जितना मुझे पता है तुम लोग नहीं करते होगे मुझे पता है अच्छे से रिडक्शन जोन कंबेशन जोन वगैरह जोन तुम नहीं करते होगे बट इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है तो कर लेना इसे फिर उसके बाद राइट द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन कंबशन जोन एंड रिड्यूसिंग जोन कौन सी कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है कंबेशन जोन और रिड्यूसिंग जोन में वो लिख दो केमिकल रिएक्शन फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया राइट द कंस्ट्रक्शन डिटेल्स एंड वर्किंग ऑफ कपोला फाइनेंस विद द हेल्प ऑफ नीट एंड क्लीन स्केच ये पूछा जाता है यार अब मैं तुम्हें एक काम करती हूँ जितना अभी तक मैंने क्वेश्चन पढ़े हैं मैंने तुम्हें खरे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पढ़ दिए मैंने तुम्हें बता दिया क्वेश्चन वाइज के ऊपर चले हाँ प्रॉपर्टीज बता दी कार्बन स्टील बता दिया गेटिंग सिस्टम बता दिया, दिया कोपोला बना दिया अभी इतना पढ़ा देती हूँ फिर उसके बाद आगे लिखेंगे ठीक है कास्टिंग और पैटर्न रह गया इसे पहले हम पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे चलो तो अभी हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स पे ये देखो ये रहा वो क्वेश्चन जो भी मैं तुम्हें दिखा रही थी ना मटेरियल में टॉप पे क्वेश्चन था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल बता दो कितने पार्ट्स में मटेरियल को क्लासीफाई कर सकते हो मैंने जब तुम्हें कहा था कि नोट्स में मिल जाएगा वो ये रहा तुमसे मैन्यूफेक्चरिंग मटीरियर के बारे में भी पूछा गया था तो वो ये रहा मैं कह रही हूँ मेरे नोट्स बिल्कुल सफिशेंट है इन पर रिलाई कर सकते हो अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे मैंने खुद ने इन्हीं से पढ़ा था खुद ही इन्हीं से पढ़ के सब्जेक्ट टॉप किया था तो यू कैन टोटली रिलाई ऑन दम ठीक है इंजीनियरिंग मेटीरल क्या होता है सबसे पहले तो मटीरल क्या होता है मटीरियल एक फिजिकल या नॉन फिज़िकल चीज़ है यार मेरे पास पेन नहीं है तो प्लीज़ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना जितना कर सकती हूँ अंडरलाइन में कर दूँगी लिख नहीं पाऊंगी बिकॉज मुझे तो आदत है उसी से लिखने की ठीक है यहाँ पे आ इंजीनियरिंग मटेरियल क्या होता है मटेरियल जो कि हम रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं फॉर द पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग एक इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में देखो सबसे पहले जो वर्ड है वो रॉ मटेरियल है चल नहीं रहा है यार क्या करूं मैं एक ये यूज कर लेते हैं हाई रैटर. देखो क्या है ये रॉ मटीरियल है फॉर एनी मटीरियल ऑफ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और मैनुफैक्चरिंग इन एन ऑर्गनाइज्ड वे ऑफ इंजीनियरिंग ऑर्गनाइज्ड वे ऑफ इंजीनियरिंग एप्लीकेशन उसने क्या बोला जब आप किसी रॉ मटीरियल को एक इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में यूज़ करते हो तब आप उसे क्या बुलाते हो इंजीनियरिंग मटीरियल बुलाते हो नेक्स्ट पे आ जाते हैं नेक्स्ट आ गया आपका क्लासीफिकेशन ऑफ मटीरियल्स जो कि अभी आपने क्वेश्चन भी देखा था सेम क्वेश्चन था वहाँ पर कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में कर सकते हो क्लासीफाई सिरामिक्स में कर सकते हो कंपोजिट्स में कर सकते हो और उसके बाद पॉलीमर में कर सकते हो ठीक है ना ये सब अभी हम हाँ, आप टाइस में देख चुके थे तो क्या कर देना एक ऐसे ऐसे करके इंजीनियरिंग मटेरियल ऊपर पहले डिफाइन कर देना इंजीनियरिंग अरे यार लिखा ही नहीं जा रहा मटेरियल हाँ और ऐसे ऐसे टू हार्ड सच में बहुत मुश्किल है ऐसे ऐसे करके एक टेबल बना के उसमें ये पांचों नाम लिख देना ठीक है ना कह रहे है पहले इंजीनियरिंग मटेरियल की डिफाइन लिख दी उसके बाद क्लासिफाई करने को बोलेगा तो ये जो एक दो तीन मेटल नॉन मेटल सिरामिक्स कंपोजिट्स और पॉलीमर वो ऐसे करके फ्लो चार्ट में लिख देना जितने फ्लो चार्ट बना सकते हो जितने डायग्राम बना सकते हो बना लेना मुझसे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था क्या डायग्राम बनाने जरूरी है तो हाँ भाई डायग्राम बनाने जरूरी है डायग्राम से ही टीचर अट्रैक्ट होता है सिर्फ तुम कहानियाँ लिख के आओगे तो वो कहानियाँ नहीं पढ़ेगा आई एम डन विद इट नेक्स्ट चलते हैं उसके बाद आया इंजीनियरिंग मटेरियल क्यों यूज किया जाता है टू फाइनलाइज द मटेरियल फॉर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट और एप्लीकेशन इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या जरूरी होता है हमारे लिए उस मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना जरूरी होता है यार मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करी हूं ना तो यहां पे आ जाता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ठीक है ना ये तुम्हें पढ़ाया गया होगा अगर स्टार्टिंग में तुमने अच्छे से पढ़ा है तो टीचर ये एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं जब वो इंजीनियरिंग मटेरियल तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं अभी मैं ये टॉपिक स्किप मार रही हूं क्यों क्योंकि एग्जाम में पूछा ही नहीं गया है मेरा पर्पस अभी क्या है तुम्हें एग्जाम में फुल मार्क्स दिलवाना ना कि इन चीजों में एग्जाम में भाई मुझे नाइन प्लस

जहां माफ कर रही हूँ वहीं से पढ़ना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक था देखा था मस्स में पहला टॉपिक था वही पढ़ा रही हूँ तो सबसे पहले आ जाती है इलास्टिसिटी यार मैं ओरली बताती हूँ ठीक है डायग्राम की हेल्प से बताती हूँ ज़्यादा समझ में आएगा तो यहाँ पे ये क्या है मेरा मेटल है ये क्या है मेरा मटीरियल है मेटल है जो भी है जिस पे मैं काम करवा रही हूँ ठीक है उसके ऊपर मैंने ये लोड अप्लाई करा लोड का मतलब क्या है फोर्स है लोड का मतलब क्या है फोर्स है लोड मतलब फोर्स फोर्स अप्लाई करी ठीक है उसके बाद फोर्स अप्लाई करने के बाद मेरा जो मटीरियल है वो डीफॉर्म हो गया उसकी शेप देख रहे हो कर्व हो गई है यहां पे जब मैंने मटीरियल हटाया और मेरा जो प्रोडक्ट है वो अपनी शेप में वापस आ गया तो इसी चीज को क्या कहते हैं इलास्टिसिटी इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं इलास्टिसिटी अब अगर तुम ये डिफाइन इस भाषा में लिख के आओगे कि मैंने फोर्स लगाई फोर्स के बाद वो अपनी शेप में रिगेन हो गया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे तुम्हें तो कुछ टेक्निकल टर्म्स का यूज करना पड़ता है जैसे कि डीफॉर्म टेक्निकल टर्म क्या है इस केस में डीफॉर्म डिफॉर्म का मतलब होता है अपनी शेप को चेंज करना फॉर्म मतलब जो शेप

जिस चीज़ में टाइम देना उसमें मैं टाइम दूंगी चिंता मत करो ठीक है हो जाएगा कवर प्लास्टिसिटी क्या होता है अब जब आपने लोड लगाया जब आपने फोर्स लगाई तो जो आपकी फॉर्म थी वो डिफॉर्म होने के बाद ओरिजिनल शेप को गेन नहीं करी तो आप क्या बोलोगे प्लास्टिक है मग है आपका ठीक है जो प्लास्टिक के मग्स होते हैं जब उसकी शेप जो बनाई गई है वो वही रहेगी लाइफ टाइम आप उसे मोड़ तरोड़ नहीं सकते है ना अगर आप मोड़ोगे तो वो टूट ही जाएगा तो यहाँ पे आ गया एबिलिटी ऑफ नॉन रिवर्सिबल क्या लिखा है नॉन रिवर्सिबल डिफॉर्मेशन कैसी डिफॉर्मेशन होगी इस केस में नॉन रिवर्सिबल होगी विद रिस्पेक्ट टू अपलाइड लोड वन द लोड इज अपलाइड द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डिफॉर्मेशन जब लोड अपलाई करोगे तो बॉडी में क्या जाएगी? आ जाएगी डिफॉर्मेशन आ जाएगी वैन द लोड इज रिमूव इट विल नॉट गेट इट्स ओरिजिनल शेप लोड रिमूव करने के बाद भी बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं करेगी इसका एग्जाम्पल क्या आ सकते हैं सारे के सारे मेडल्स आ सकते हैं एक्सेप्शन में क्या होगी एच जी एच जी इज योर मकरी ठीक है मकरी इसके एक्सेप्शन में रहता है आगे चलते हैं डक्टिलिटी क्या होती है जितनी लंबी वायर्स में आप आ, कर सकते हो डक्टिलिटी किस पे डिपेंड करती है टेंसाइल स्ट्रेंथ में वर्ड मार्क कर लो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो अभी ऊपर मैंने डिफरेंस बताया था तुम्हें पूछा गया था प्रीवियस ईयर में किसके किस में था वो डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी में था तो पहली चीज़ क्या लिख दोगे डिफरेंस की कि जो मेलेबिलिटी होती है वो प्रॉपर्टी होती है ऑफ मेकिंग शीट्स ऑफ मेकिंग शीट्स ऑफ मेटल डक्टिलिटी क्या होती है मेकिंग वायर ऑफ मेटल उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी में क्या लिख दोगे कि जो कम्पेरिज मेलेबिलिटी है वो कंप्रेसिबिलिटी आप उसे कंप्रेस कर रहे हो प्रेशर दे रहे हो फोर्स दे रहे हो जिससे कि वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो रही है डक्टिलिटी के, के केस में लिखोगे कि इस कि किसकी वजह से हो रही है टेंसाइल चेंथ खींच रहे हो आप वायर को इसलिए टेंसाइल चेंथ की वजह से डक्टिलिटी आती है तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप लिख सकते हो यहाँ पे इनका डायग्राम अभी मेलेबिलिटी का डायग्राम दिखा दूंगी तो होगा क्या बेसिकली एक मेटल का शेप होगा ब्लॉक होगा उसको तुमने पतली वायर्स में कन्वर्ट कर दिया तो वो मेलेबल है जैसे इसमें दिया हुआ है यहाँ पे एक मेटल था उसके ऊपर तुमने टेंसाइल लोड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टेन लोड टेन लोड लगाया तो आपकी जो मेटल की वायर है वो लंबी खींच गई तीन वो पॉइंट सीख लिए भाई लिखते रहना मैं बता रही हूँ बहुत मारूंगी लिखाने तो लिखते रहो साथ में हाँ तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है एबिलिटी टू डिफॉर्म अंडर द टेंसाइल स्ट्रेस दिस इज ऑफन करेक्टराइज बाय द मटीरियल एबिलिटी टू बी स्ट्रेच इन टू अ वायर मटीरियल की एबिलिटी है ये किस चीज़ की कि आपने मटीरियल को स्ट्रेच करा एक लॉन्ग वायर में ठीक है ये तुम्हारा मटीरियल था ये तुम्हारा है डिफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड लोड ये चीज़ तुम्हें लिखनी पड़ेगी कि ओरिजिनल मटीरियल था और ये मटीरियल है आफ्टर द डिफॉमेशन ठीक है तो ये बॉडी ऐसी थी और ये बॉडी ऐसी हो गई नेक्स्ट आ जा जाते हैं

डिफॉर्म uh, कर दिया उसने थीन शीट में नेक्स्ट जाते हैं स्टिफनेस पे द एबिलिटी ऑफ मटीरियल टू रेसिस्ट द डिफॉर्मेशंस अंडर द एप्लीकेशन ऑफ लोड स्टिफनेस क्या होता है किसी मटीरियल की एबिलिटी रेसिस्ट करने की क्या करने की रेसिस्ट करने की रेसिस्ट मतलब रोकना किसको रोक रहा है डिफॉर्मेशन को मैंने लोड लगाया और उस पर कोई असर ही नहीं पड़ा मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा और तुमने अपना गाल नहीं हिलाया इसे क्या है कहते हैं स्टिफनेस है तुम्हारा गाल हिला ही नहीं अगर दूसरा गाल होता तो मान लो ऐसे गया और वापस आ गया तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी ये थी तुम्हारी पहली वाली कौन सी कौन सा बड़ा था पहले हमने इलास्टिसिटी अब गाल लगा और गाल ऐसा ही रह गया थप्पड़ का निशान छप गया तो ये कौन सी थी प्लास्टिसिटी फिर उसके बाद गाल हिला ही नहीं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी स्टिफनेस मैंने होपफुली अच्छे से समझा दिया होगा बहुत ही बेकार एग्जाम्पल ले लिया चलो ठीक है द प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड इन डिजाइन ऑफ स्प्रिंग्स इस वाली प्रॉपर्टी को किसम यूज़ करा जाता है स्प्रिंग्स के डिजाइन में तो ये अप्लाइड करा लोड और कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुई अप्लाइड लोड के रिस्पेक्ट में तो आपने क्या बुला दिया ये कि कैसे कैसी बॉडी थी स्टिफ बॉडी थी नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रिटलनेस ब्रिटलनेस मतलब क्या होता है टूट जाना अगर आपने बॉडी पर ज़्यादा फोर्स अपलाइड करी तो वो बॉडी टूट जाएगी फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें भी बताया था कोई ऐसी बॉडी जो बहुत नाजुक है वो टूट जाती है इसका एग्जाम्पल आप वो ले सकते हो सिरामिक क्या ले सकते हो सिरामिक जिसमें मम्मी अचार का वो रखती है ना सामान वो वाले ग्लास तो ये देखो ग्लास आ गया इसका एग्जाम्पल कॉन्क्रीट आ गया और कास्ट आयरन आ गया इसकी डिफाइन पढ़ें तो एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू ब्रेक विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन उसने डिफॉर्मेशन ही नहीं दिखाई उसने कुछ मूवमेंट ही नहीं करा अपनी शेप में और विदाउट मूवमेंट वो बॉडी टूट गई दैट इज ब्रिटलनेस ठीक है समझ में आ गया ये रही इसकी फिगर ये रहा ब्रेकेज देखो ना ब्रेकेज लिखा हुआ है ब्रेकेज विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड लोड ब्रेकेज हो गई टूटी गई वो बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड लोड जैसी लोड लगा उसके बाद यहाँ पे हार्डनेस लिखा हुआ है भाई अगर साथ लिख रहे हो तो ठीक करके लिख लेना लिख देती हूँ थोड़ा थोड़ा वैसे तो मैं लिख नहीं पा रही हूँ एच ए बहुत मुश्किल है यार हम्म हार्ड नेक्स्ट चलो लिख दिया थोड़ा थोड़ा एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट द स्क्रैचेस एक बॉडी की प्रॉपर्टीज इसकी वजह से वो स्क्रैचेस को मार्क्स को रेसिस्ट कर सकती है वियर और ईयर को रेसिस्ट कर सकती है उस चीज़ को आप क्या बुलाते हो हार्डनेस कि वो बॉडी हार्ड थी इस वजह से उस पर कोई वियर एंड ईयर नहीं हुए आपने उस पर मार्कर का पेन चलाया बट वो जलाई नहीं या फिर कोई भी किसी भीसी से स्क्रैच मारा बट नहीं आया तो बॉडी कैसी है हार्ड है एक्जाम्पल क्या सकते हैं इसके ग्लास आ सकता है डायमंड आ सकता है दिस प्रॉपर्टी इज हाईली कंसीडर्ड इन द मेकिंग ऑफ कटिंग टूल्स कटिंग टूल्स का एग्जाम्पल ना यहाँ पे चीजें लिख लेना सी एच आई एस ई एल लिख नहीं पा रही हूँ मैं बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि मुझे लिख के पढ़ाने की आदत है ठीक है चीज़ल लिख लेना यहाँ पे चीज़ल क्या होता है जिसकी पॉइंटेड एज होती है और जिससे आप काटते हो तो चीज़ कट जाती है तो वहाँ पे ऊपर अभी तुमने क्या पढ़ा था जिस पे नहीं हो रही वो कैसी थी स्टिफ थी बट जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो उस पर कट्स मारने के लिए वो कौन सी होती है हार्डनेस की प्रॉपर्टी से बनी हुई चीज़ होती है जिसको तुम कट्स मारने के लिए यूज़ कर रहे हो तो मैंने यहाँ पे चीज़ल एग्जाम्पल लिखवाया ये जो ये चीज़ बनी हुई है ना पे बॉडी जो ऊपर वाली है इसका नाम चीज़ल ही है ठीक है जो पॉइंटेड चीज़ होती है एक साइड से स्लैंट होती है एक साइड से थोड़ा ऐसा होता है कुछ छोड़ो कोई बात नहीं वो से कहते हैं चीज़ें ऐसा कुछ दिखाई देती हूँ ऐसे हैं और ये ऐसे होएगा हाँ कुछ कुछ ऐसा नेक्स्ट आ जाते हैं तो इसने क्या किया यहाँ पे ये बॉडी जो है ट्राई कर रही है इसके ऊपर कट्स मारने का चलो आगे नो स्क्रेचेज वियरेंटियर इस पर कोई स्क्रैचेस नहीं आ रहे इस पर कोई वियरेंटियर नहीं आ रहा कौन सी वाली बॉडी पे ये वाली नीचे वाली बॉडी पे तो ये बॉडी कैसी नीचे वाली हार्ड है नेक्स्ट आ जाते हैं टफनेस पे द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द शॉक्स लोड्स इंपैक्ट लोड बिफोर फ्रैक्चर टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज टफनेस तो एबिलिटी uh, बॉडी की जिससे वो कर रही है शॉक लोड्स को इम्पैक्ट लोड्स को विदाउट फ्रैक्चर बिफोर फ्रैक्चर पॉइंट टूटने से पहले तक वो जितने लोड्स को अब्सॉर्ब कर पाई मतलब जितना तुमने उस पर प्रेशर लगाया उसे आप क्या कहते हो टफनेस है शॉक लोड्स का मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है झटके दे रहे हो

देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया दीदी स्ट्रेंथ पढ़ ली थी स्ट्रेंथ कौन सी वाली थी कि वो कितना बैर कर पा रही थी टफनेस हमने पढ़ ली डक्टिलिटी मेबिलिटी हमने पढ़ ली इनके बीच का डिफरेंस भी तीन पॉइंट्स में बता दिया रिजायलेंस अभी नहीं पढ़ा रिजायलेंस आगे आएगा मेलेबिलिटी पढ़ ली हार्डनेस पढ़ ली इलास्टिसिटी पढ़ ली स्ट्रेंथ पढ़ ली स्टिफनेस भी पढ़ ली तो हम स्टार्ट कर देते हैं अब नेक्स्ट अपना कौन सा कार्बन स्टील आयरन स्टील वाला चीज़ अब जो हमारा कार्बन स्टील आयरन स्टील है इसमें से पूछा जाता है जैसे मैं तुम्हें बताया डायरेक्टली तुम्हें नहीं नहीं ये नहीं है, ये वाली है, हाँ। तो ये है है वाली तो रहा जो मटेरियल होते हैं वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं किसके बेसिस पे परसेंटेज ऑफ कार्बन के बेसिस पे यार इतना नहीं पूछा जाता हाँ बट पूछ लिया जाता है तो एक बार जस्ट गिस्ट ले लेना ठीक है इतना नहीं पूछा जाता दोबारा तो रिपीट कर रही हूँ तो पहला तुम्हारा आ जाता है ये वाला पार्ट पहला तुम्हारा ये वाला पार्ट है कार्बन स्टील वाला और दूसरा आ जाता है कास्ट आयरन वाला जो तुमसे पूछा जाता है ना वो कास्ट आयरन वाला ज्यादा पूछा जाता है कौन सा वाला कास्ट आयरन वाला तो ऐसे फ्लो चार्ट में याद करना या डायग्राम बना बना के याद करना डायग्राम कर रही करियो मतलब फ्लो चार्ट बना बना के याद करोगे तो चीज अच्छे से याद हो जाएगी मेरे पास मेरे नोट्स नहीं है जो मैंने बनाए थे वो दिखा दी तो तुम पागल ही हो जाते मेरे नोट उसमें बहुत बहुत अच्छे होते हैं बट ये पता नहीं कहाँ ही कर दिए मैंने फेंक फेंक दिए थे अगली बार से संभाल के रखेंगे सेकंड ईयर के तुम्हें अच्छे खासे नोट्स मिल जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे आ गया मेडल्स मेडल्स दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड होता है कौन सा फेरस और नॉन फेरस में जो तुम्हारे फेरस होते हैं उसमें भी दो पार्ट्स आ जाते हैं कौन सा पहला तुम्हारा स्टील वाला और दूसरा कौन सा वाला तुम्हारा कास्ट आयरन वाला जो भी बताया ऊपर ठीक है नेक्स्ट जाते हैं तो क्या हुआ बेसिकली मेटल मेटल के अंदर दो पार्ट्स फेरस नॉन फेरस फेरस नॉन फेरस के अंदर भी दो पार्ट स्टील आयरन और कास्ट आयरन चलो नेक्स्ट चले तो यहाँ पे तुम्हारा ये स्टील वाला के बारे में दिया हुआ है कार्बन स्टील के बारे में दिया हुआ है तो स्टील जो होता है वो अलॉय होता है कार्बन का और आयरन का किसका कार्बन का और आयरन का जिसमें जिसमें तुम्हारा मैक्सिमम कार्बन प्रेजेंट होता है कितना 1.5 परसेंट कितना कार्बन प्रेजेंट होता है वन पॉइंट यार ये इतना नहीं पूछा जाता दिखा रही हूँ बस ठीक है ना इसलिए जल्दी जल्दी करवा दूंगी नहीं पूछा जाता इतना एक दो क्वेश्चन होंगे बस लो कार्बन स्टील हो गया मीडियम कार्बन स्टील हो गया हाई कार्बन स्टील हो गया इन चीज़ों में आ रहा होता है इसे तुम एक बार खुद रीड कर लोगे क्लासिफिकेशन है बेसिस ऑफ कार्बन के ऊपर इसमें लेस देन ट्वेंटी फाइव जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंटेंटेंटेंटेंट होता है इसमें बिटवीन जीरो पॉइंट फाइव टू फाइव से जीरो पॉइंट सिक्स जीरो तक होता है इसमें मोर देन सिक्स पॉइंट सिक्स जीरो होता है इसका मतलब ये किस में वैरी करता होगा जीरो पॉइंट सिक्स जीरो से लेकर के वन पॉइंट फाइव तक ये वेरी करता होगा क्योंकि ये मैक्सीम इतना ही हो सकता है है ना और ये है भी कौन सी हाई कार्बन स्टील है तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द मेटल यू कैन कैरेक्टराइज इट ऑन थ्री केसेस दैट इज़ लो मीडियम और हाई जो लो होता है उसमें सबसे कम होता है लेस देन जीरो पॉइंट टू फाइव इसके बाद तुम देख रहे हो ग यहाँ पर पतली पतली चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है लाइक तुम्हारा फॉइल्स हो गई ये सब चीज़ें जो होती हैं फॉर्मेबिलिटी और वेल्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इसमें प्लस में ये सॉफ्ट होता है और वीक होता है इट इज़ सॉफ्ट एंड वीक बिकॉज ऑफ द लो प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन इट नेक्स्ट जाते हैं हाई कार्बन मीडियम कार्बन पे जो मीडियम कार्बन तुम देखोगे ये स्क्रू बोल्ट्स वगैरह रेलवे ट्रैक्स वगैरह ये सब चीज़ें बनाने में यूज़ करते हैं इसमें क्या होती है डक्टिलिटी होती है और टफनेस होती है टफनेस क्यों आ गई इसमें बिकॉज परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ गई है नेक्स्ट जाते हैं हाई कार्बन स्टील पे हाई कार्बन स्टील लेस डक्टाइल लेग्स डक्टाइल होती है और मोर ब्रिटल होती है टूट जाती है जल्दी ठीक है ना इसमें बहुत ज़्यादा मोर वियर रेसिस्टेंस होता है उसके बाद तुमने पढ़ लिया यहाँ पे कि होल्ड करता है शार्प कटिंग एज को बिकॉज हार्डनेस बढ़ गई कार्बन बढ़ गया तो हार्डनेस बन गई तो इससे कौन से टूल्स बना सकते हो तुम कटिंग टूल्स बना सकते हो इसके बाद आ गए हम कास्ट आयरन पे जो कास्ट आयरन है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है 1.7 से 4.5 परसेंट तक ये वेरी कर सकता है और इसमें सिलिकॉन भी होता है 0.5 से 3 परसेंट तक सिलिकॉन का, का काम तुम्हें नहीं है तुम्हें बस का, आयरन कार्बन के बेसिस पे पढ़ना है और आयरन के बेसिस पे पढ़ना है तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है बेटर कास्टेबिलिटी होती है अच्छे से काम करते रहता है इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है कि इसमें स्ट्रेंथ होती है हार्डनेस होती है डैम्पिंग कैपेसिटी होती है और ब्रिटलनेस होती है ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं यार तुम्हें लर्न करने की नहीं थोड़ी बहुत पढ़ रही होगी जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ समझते जाओ लर्न करते जाओ समझते जाओ लर्न करते जाओ वीडियो को स्टॉप करना है स्टॉप कर लो साथ साथ लर्न करते जाओ पीडीएफ खोल के रखो एक डिवाइस में ऐसे कर सकते हो कि एक पे तुम मुझे देख रहे हो जैसे मान लो फ़ोन से मुझे देख रहे हो तो लैपटॉप में पीडीएफ ओपन कर ली साथ में नोटबुक लेके बैठ जाओ ठीक है जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वोट उसे लिखते जाओ नोटबुक में मार्क करते जाओ पीडीएफ में जैसे मैं कर रही हूँ और मेरे को तो तुम एक साइड से सुनी रहे हो ठीक है अगर चुनना चाहते हो तो एक बार मैं टू पे सुन लेना फिर थोड़ा धीरे करके नॉर्मल पे सुन लेना या पहले नॉर्मल पे सुन ली तो बाद में टू पे सुन लेना बट हाँ दो से तीन बार रिवाइज कर लोगे तो आज चीजें हो जाएंगी आज तुम्हारे पास ये वीडियो आ रही है और आज एक तारीख है दो तारीख का दिन भी है, तुम्हारे पास तीन तारीख का दिन भी है तुम्हारे पास तो अच्छे से करके जाना बोल रही हूँ दोबारा से मुझे मार्क्स चाहिए पढ़ा रही हूँ ना फ्री में मार्क्स चाहिए चलो ग्रे कास्ट आयरन आ गया यहाँ पे व्हाइट कास्ट आयरन आ गया यहाँ पे जो ग्रे कास्ट आयरन है इसमें जो कार्बन है उसको आप कैसे बोलते हो ग्रेफाइट की तरह यहाँ पे कार्बन है कार्बाइड्स की तरह व्हाइट कास्ट आयरन को ठीक है अब यहाँ पे ग्रे कास्ट आयरन और व्हाइट कास्ट आयरन आ गए जो दो पार्ट्स हैं किसके कास्ट आयरन के टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन आ गया अभी तुमने ऊपर कास्ट आयरन की डिफाइन पड़ी अब यहाँ पे दो टाइप्स आ गए कास्ट आयरन के तो पहला कौन सा है ग्रे वाला है उसके बाद व्हाइट वाला है इसके बेसिस पे क्वेश्चन एज सच अब नहीं आता पहले पूछे जाते थे अब काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है स्टिल एक बार रीड कर लेना क्या रीड कर लोगे कास्ट आयरन और ग्रे कास्ट आयरन ठीक है हो जाएगा चलिए आगे नहीं पढ़ा रही यार क्योंकि नहीं पूछा जाता मैं वो चीज़ पढ़ाऊंगी जो पूछी जाती है ठीक है अभी तुम्हें थर्ड फोर्थ सेकंड यूनिट भी करानी है तो जो चीज़ नहीं पूछी जाती बेटर है उसे ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि ये एंड मोमेंट रिवीजन करवा रही हूँ तो वही करवाऊंगी जो पूछा जाता है अब मैं तुम्हें एक बार तुम्हारे मस्ट डू पर दोबारा से लेकर चलती हूँ मोस्ट रिपीटेड पर हमने क्या कर लिया देखो डिफरेंट कलर का पेन यूज कर लेती हूँ दोबारा दिखाने के लिए रेड ले लूँ ठीक है देखो तुम्हारी ये चीज़ कवर डन तुम्हारी ए चीज़ कवर डन ठीक है जो नहीं पूछा जाता वो नहीं कराया तुम देख लो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं पूछा गया वाइट कास्ट आयरन वो वाला ठीक है तुमसे पूछा गया जाया है कास्ट आयरन बता दो कितने परसेंट होती है कास्ट आयरन में कितने परसेंट कार्बन होता है बता दिया डन है देखो जो चीज पूछी जाती है वही बता रही हूँ फालतू तो चीज नहीं बताऊंगी यही मोटिव था तुम्हारे लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बताने का कि तुम्हें पता चल चलता है किस टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी ऐसी हेल्प करेगी जब बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तभी यही काम करना जो भी बताया है नेक्स्ट आ गए हम गेटिंग सिस्टम पे गेटिंग सिस्टम के अंदर हमारा आ जाता है क्या कि फंक्शन ऑफ राइजर बता दो ये पूछा जाता है फंक्शन ऑफ राइजर वाला उसके बाद कॉम्पोनेंट्स पूछे जाते हैं गेटिंग सिस्टम के कि गेटिंग सिस्टम में कौन कौन से कम्पोनेंट होते हैं ठीक है जैसे कि राइजर हो गया तुम्हारा स्प्राउज हो गया स्प्राउज वॉल हो गई राइजर हो गया ये सब चीज़ें पूछी जाती है तो कम्पोनेट्स बता देना सिल एक बार गेटिंग सिस्टम फटाफट से जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ पूछा गया है वैसे गेटिंग सिस्टम बट मैंने वही बोला कि गेटिंग सिस्टम में बहुत सारी वैरायटी पूछी जा सकती है जरूरी है एक बार आ गया तो दोबारा नहीं आए गेटिंग सिस्टम के केस में हाँ को के केस में मैं एक बार को कह सकती हूँ कि एक बार पूछ लिया तो दोबारा ना पूछे बट गेटिंग सिस्टम पूछा जा सकता है देखो भाई तो ये में, तो में क्या क्या मिल जाएगा गेटिंग सिस्टम मिल जाएगा और कुपोला फाइनेंस मिल जाएगी चलते हैं आगे तो यहाँ पे आ गया गे गेटिंग सिस्टम क्या होता है गेटिंग सिस्टम क्या है कास्टिंग सिस्टम होता है कास्टिंग क्या होती है यार कास्टिंग बताऊँ क्या पहले नहीं पता कास्टिंग कास्टिंग बताऊं तो कास्टिंग समझानी पड़ेगी तुम्हें थोड़ी सी देखो थोड़ी सी समझा देती हूँ कास्टिंग क्या होता है एक आपके पास पैटर्न है एक आपके पास मोल्ड है पैटर्न क्या होता है डुप्लीकेट होता है किस चीज़ का ऑब्जेक्ट टू तो बी फॉर्म्ड का डुप्लीकेट होता है किस चीज़ का ऑब्जेक्ट टू बी फॉर्म का मान लो गुंजिया बनानी है गुंजिया क्या है ऑब्जेक्ट है जिस चीज़ में बनाते हो वो जो मम्मी के पास ये प्लास्टिक का होता है जिसके अंदर वो लगाती हैं तुम्हारा किससे बनती है गुंजिया मैदा पता नहीं जो भी वो एम वेरी बैड कुकिंग पता नहीं मैदा होता होगा गैस उसके अंदर वो बैटर भरते हैं ना गुंजिया का मीठा मीठा तो जो पैटर्न होता है वो क्या होता है डुप्लीकेट होता है गुंजिया का तो गुंजिया क्या था ऑब्जेक्ट था उसका डुप्लीकेट चीज है वो पैटर्न जिसके अंदर वो मैदा वगैरह रख के जो बनाते हो वो क्या है तुम्हारी कास्टिंग है अब जब तुमने उसमें से बाहर निकाला कास्टिंग नहीं बोलोगे अभी मेटल टू बी फॉर्मड है वो ठीक है जो मैदा है रॉ मैदा तो वो मेटल टू बी फॉर्मड है जब तुमने उसके अंदर डाला तो वो जो हॉलो कैविटी थी गुंजिया के अंदर की उसको तुम क्या बुलाओगे मोल्ड उसको तुम क्या बुलाओगे मोल्ड आवाज आ रही है ना तो सबसे पहले क्या थी गुंजिया ऑब्जेक्ट थी ऑब्जेक्ट का रेप्लिका ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट क्या था पैटर्न पैटर्न के अंदर जो हॉलो कैविटी है उसको तुमने क्या बुलाया मोल्ड मोल्ड के अंदर जो तुमने चीज डाली वो क्या थी तुम्हारा लिक्विड मेटल था उसे लिक्विड मेटल बुलाते हो उसके बाद जब तुमने उसे

जिसमें आप कंडक्ट करते हो मोल्टेन मेटल को किसके अंदर मोल्ड कैविटी के अंदर कैविटी क्या है जो चीज़ बाहर निकल के आई और मोल्टन मेटल को तुमने अंदर डाला था तो ये पोरिंग सिस्टम था बेसिकली जो गुंजिया का एक्साम्पल दिया तो गुजिया का वो जो पैटर्न था उसमें वो क्या था पोरिंग सिस्टम था जिसके अंदर मैंने तुम्हें भी बताया था कि हम लिक्विड मेटल डालते हैं All done, तो यहाँ पे पर्पस क्या होता है आपका ये बनाने का मोल्ड कैविटी विद मेटल इन द शॉर्टेस्ट टाइम विदाउट हैविंग टू इंक्रीज द मेटल टेम्परेचर जैसा कि तुमने कुपोला के केस में पढ़ा होगा अभी मैंने तुम्हें क्वेश्चन भी दिखाया था कि तुमको डिफरेंट टेम्परेचर्ज या फ्री जोन दिखाने तो, तो वहाँ पे टेम्परेचर का काम होता है वहाँ पे सब काम ही टेम्परेचर के ऊपर चलता है ये तुम एक डिसएडवांटेज भी पड़ रहे हो कोपोला फरनेंस की कि बहुत हाई टेम्परेचर पे काम होता है बट इन केस ऑफ वेटिंग सिस्टम कोई टेमप्रेचर का काम नहीं होता एक नॉमिनल टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें काम कर सकते हो और बहुत छोटे टाइम में शॉर्टेस्ट टाइम में शॉर्टेस्ट टाइम में तुम काम करवा सकते हो अपनी कैविटी को फॉर्म करवा सकते हो अब जो मैं तुम्हारा तो मेटल होता है वो स्मूदली फॉर्म हो जाता है स्मूदली अंदर चला जाता है मिनिमाइज करते हुए टर्बुलेंस को टर्बुलेंस क्या होती है टर्बुलेंस होती है और जो बबूले बबूले भूल जाते हैं ना ऐसे छोटे छोटे मैं तुम्हें पिछली वीडियो में भी समझाई थी ये बात तुम जाके देख सकते हो मैंने मिड मेडिसन मस्ट लू सीरीज डालोगे तो उसमें आ जाएगी तो ये सब चीज़ें पढ़ाई हुई हैं इसलिए मैं जल्दी करवा रही हूँगी सब मैं बेसिकली फोकस डाल रही हूँ सेकंड थर्ड और फोर्थ यूनिट पर बिकॉज वो चीज़ उसमें नहीं थी और जो प्रीवियस वीडियो उस पर आई गेस टू के प्लस व्यूज आ चुके हैं अभी अभी में ही ठीक है पहले इतनी नहीं देखी थी तुम लोगों ने अभी ज़्यादा देखी है तो उसको जाके देख लोगे तो ये चीज़ अच्छे से समझ में भी आ जाएगी अब इसने बोला आप जो मेटल है वो फ्लो करता है स्मूथली मिनिमाइज़ करते हुए टर्बलेंस को और एयर को ट्रैप कर दैट कॉज एयर ट्रैपिंग ड्यूरिंग द कास्टिंग इसकी वजह से क्या हो जाती है एयर ट्रैप हो जाती है कास्टिंग में तो उस चीज़ को ये रिड्यूस करता है क्यों जैसे गरम गरम चीज ही हलवा था ठीक है हलवे में मम्मी ने गरम गरम डाला हलवा तो उसके बाद तुम थोड़े टाइम में देखते हो कि उसमें फूले गुले गुले से आ जाते हैं एयर ट्रैप हो जाती है जब उस चीज़ में तो यहाँ पे वही हो गया कि स्मूथ स्मूथली फ्लो करने में हेल्प कराता है रादर देन प्रोड्यूसिंग एयर ट्रैपिंग्स एयर के बबूले नहीं आने देता एयर के बबल्स नहीं आने देता नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद आगे गेटिंग सिस्टम दिखता कैसा है तो यहाँ पे मैं पहले तुम्हें एक बेसिक सा छोटा सा ओवरव्यू दिखा देती हूँ क्या क्या काम हो रहा होता है ठीक है ये होता है स्प्रू ये क्या होता है स्प्रू स्प्रू को तुम क्या बताती हो हॉरिजॉन्टल स्प्लेस क्या होती है ये हारिजोंटल स्प्लेस होती है हॉरिजॉन्टल एच लिखा है मैंने नहीं लिख पा रही यार कुछ नहीं कर सकती ठीक है देख रहे हो हॉरिजॉन्टल स्पेस है कटोरा टाइप हॉरिजॉन्टल खड़ा हुआ क्या होता है राइजर देखो खड़ा हुआ है राइजर तो स्प्रू क्या है हॉरिजॉन्टल स्पेस है जिसके अंदर तुम पोरिंग बेसिन में डाल रहे होते हो अपने मेटल को स्प्रू में क्या डाल रहे होते हो अपने मेटल को उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया स्प्रू के अंदर पोरिंग बेसिन में गया ये आ गया तुम्हारा कोर कोप कोप ये देखो ये ना दो पार्ट्स में डिवाइड होता है जो तुम्हारा गेटिंग सिस्टम है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है एक होता है कोप एक होता है ड्रैग जो ऊपर वाला पार्ट होता है तुम क्या बुलाते हो कोप जो नीचे वाला पार्ट होता है तुम क्या बुलाते हो ड्रैग कोप और ड्रैग में दो पार्ट्स में डिवाइड होता है ठीक है अभी जो ऊपर वाला मैंने तुम्हें बताया वो क्या बताया के स्प्रू है स्प्रू के नीचे ये क्या आ जाता है स्प्रू बेस आ जाता है स्प्रू वेलो जाता है जिससे तुम कह सकते हो तो स्प्रू तो तो क्या था अपने आप में हॉरिजॉन्टल पार्ट था उसके नीचे मेटल फ्लो होते होते गया और इसमें जाके बैठ गया ऐसा जो गोल सा पार्ट है जैसे स्प्रू वेल तो स्प्रू वेल के अंदर जब वो जाता है तो उसकी टर्बुलेंस डिक्रीज हो जाती है बिकॉज वो एक लेंथ को कवर करता हुआ आ रहा होता है ठीक है कहते हैं ना जब बॉल आई तो जो हैंड है वो अपना पीछे कर लेता है वाई बिकॉज टू इंक्रीज द टाइम तो यहाँ पे भी टाइम इंक्रीज करने के लिए हमने स्प्रू को वेल को नीचे बनाया कि जिसका उसका टाइम इंक्रीज हो जाए और प्रेशर कम हो जाए ये केस होता है ना सेम वाले केस में जब बॉल को हम मारते हैं तो जो कैचर होता है वो अपना हाथ पीछे करके कैच करता है टू इंक्रीज द टाइम टू डिक्रीज द फोर्स अप्लाइड ऑन द हैंड उसके हाथ पे जो प्रेशर लगेगा वो कम हो जाएगा यहाँ पे आगे आगे चलेगा तो रनर है ये क्या चीज है रनर है तो यहाँ पे क्या होता है गेटिंग सिस्टम होता है गेटिंग सिस्टम के अंदर यह क्या होता है कोप होता है और ये क्या होता है ड्रैग होता है ये बीच में जो देख रहे हैं पार्टिंग लाइन है जैसे बताया दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही होती है अब मैं तुम्हें इस बता चुकी हूँ मैं तुम्हें प्रू बेस बता चुकी हूँ तो उसके बाद मैंने क्या बताया था रनर के थ्रू ट्रैवल करता है एरा रनर जिसको यहाँ पे पॉइंट करा है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज योर रनर रनर के थ्रू अ मेटल फ्लो करता हुआ जाता है किसकी तरफ स्किम बॉब की तरफ अब जो दोबारा तुम्हारा स्किम बॉब है ये दोबारा से टर्बुलेंस को कम करता है बिकॉज ये ऐसी शेप का होता है तो मेटल जब इसके अंदर से नीचे होते हुए जाता है तो जो गैसेज है वो ऊपर साइड आ जाती है स्किम बॉब के जो सर्कुलर है इस शेप समझ में आ गया तो स्किम्बोप के अंदर से भी निकल गया चोक के अंदर जाता है जो है और जो है है और यहाँ पे सर्कल मार देती है इनगेट और ये जो है तो नहीं स्मॉलेस्ट दोनों है बट दोनों बताऊँ तो इनगेट इनगेट इज स्मॉलेस्ट ओपनिंग इन एकदम नैरो ओपनिंग होती है छोटी सी ओपनिंग होती है जिसके अंदर से मोल्ड कैविटी से metal, तो, तो वो कि निकलता गेट में से निकलता हुआ जाएगा गेट में से निकल गया किस में जाएगा वो राइजर में जाएगा राइजर जब तक वो पूरा नहीं करता हम ये कि मेरी कास्टिंग बन गई होगी इसका मतलब क्या है जो मेटल फ्लो होता हुआ आ रहा है उसे किसको फिल करना होता है राइजर को फिल करना होता है जब राइजर

होता है स्प्रू से रन करते हुए नीचे जाता है क्यों रन करते हुए जाता है बिकॉज दीदी हमें क्या डिक्रीज करनी होती है टर्बुलेंस एयर टर्बुलेंस किस में आ जाता है नीचे आते है? थे स्प्रू बेस में स्प्रू बेस के बाद वो पतले से रनर के थ्रू जाता है जो कि हॉर्जोटल रनर होता है रनर से जाता हुआ वो किस में चला जाता है स्किम बॉब में जो तो सर्कुलर कैविटी है बीच में स्किम बॉब में क्यों जाता है क्योंकि जितनी हवा उसमें ट्रैप थी वो कहाँ चली जाएगी उसके ऊपर वाले पोर्शन पे चली जाएगी स्किम बॉब के और बीच में से जो तुम्हारा मेटल है वो फ्लो होता हुआ किसमें चला जाएगा मोल्ड कैविटी में मोल्ड कैविटी के बाद ये पतली सी ओपनिंग है जिसका नाम क्या है इन गेट है इन गेट में से वो बाहर निकलेगा और किसको फिल कर देगा राइजर को तो राइजर तुम्हारा लास्ट पार्ट होता है किसका गेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें पोरिंग बेसिंग अब जो पोरिंग बेसिंग है वो क्या था है यहाँ पे हमारा जो स्प्रू था दैट इज योर पोरिंग बेसिंग किसके थ्रू आप डालते हो उसमें लैडले के थ्रू लेटली क्या होती है वो स्पून होती है जिसके थ्रू आप मेटल को अंदर पोर करवाते हो ये री लेटले ठीक है लडले के थ्रू आप मेटल को अंदर पोर करवाते हो उसको आप रीड खुद से कर लेंगे जिसमें बता रही हूँ एक बार

एयर एस्पिरेशन ठीक है ना तो इसके थ्रू हमारी एयर एस्परेशन कम हो जाती है यहाँ पे आ गया स्प्रू बेस और वेल स्प्रू बेस और वेल अभी बताया था जो सर्कुलर नीचे रीजन थी जिसके थ्रू स्प्रू से वो निकल के जाता है वही रीजन है इसका मतलब क्या होता है डिक्रीज करवाती है स्पीड ऑफ द तो मॉटर्न मेटल को स्पीड डिक्रीज हो गई तो अपने आप जो ऑटोमेटिकली तुम्हारी टर्बुलेंस होती है वो डिक्रीज हो जाती है नेक्स्ट हमारा आ गया क्रॉस गेट रनर रनर हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल चैनल थी ये लिखा हुआ हॉरिजॉन्टल चैनल है पड़ी थी रनर जिसके अंदर से मेटल निकल के जा रहा था कनेक्ट करता है इस प्रूवेल को अपने गेट से फिर उसके बाद आ गया यहाँ पे हमारा इफेक्ट दिखाता है स्लो डाउन करके लिक्विड मेटल की स्पीड को लिक्विड मेटल की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है किससे पास करने पे रनर के थ्रू बिकॉज वो पतली ओपनिंग है नेक्स्ट आ गया यहाँ पे प्रिवेंट करवाता है स्लैग स्लैग क्या होती है अनवांटेड चीज़ें होती है जो हमें मेटल में नहीं चाहिए होती मान लो मेरा जो लेडले था जो स्पून थी जिसके थ्रू मैंने मेटल पोर करवाया उसमें कोई इंप्योरिटी थी ठीक है वो इंप्योरिटी इसमें भी आ गई और वो मुझे नहीं चाहिए तो स्लैग फॉर्मेशन को प्रिवेंट करवाता है कौन रनर क्योंकि उसके थ्रू वो मोटी चीज़ आ ही नहीं पाएगी अंदर जनरल के बाद हम आ गए नेक्स्ट इनगेट पे इनगेट बताया था सबसे छोटी रीजन होती है इनगेट इज द एंड ऑफ पाथ ऑफ वेयर द मोल कैविटी बिगेन्स इट लीड्स अ लिक्विड मेटल दैट फ्लोज फ्रॉम द रनर इनटू द मोल कैविटी यहाँ पे लेके जाता है ये मोल कैविटी से रनर में लेके जाता है पढ़ा था हमने रनर के थ्रू जो छोटी सी ओपनिंग थी मोल कैविटी को फिल करने के बाद आ रही थी दैट वॉज इनगेट गेट चोक क्या होता है चोक इज द कंट्रोल एरिया प्लेस इन द स्प्रू वेल कंट्रोल द फ्लो ऑफ द लिक्विड मेटल फ्लोइंग इं टू द मोल कैविटी ये फ्लो कंट्रोल करता है जितना मोल कैविटी में जा रहा है इसके बाद आ गया हमारा राइज़र राइजर क्या चीज़ होती है जो लास्ट में फिल हो रही थी जिसके अंदर मेटल ऊपर तक भर रहा था और हमें इंश्योर कर रहा था कि मेरी मोल कैविटी पूरी फिल हो चुकी है तो ये वर्टिकल पोर्शन होता है पढ़ा था हमने स्प्रू क्या था औरजोंटल पोर्शन था उसके बाद स्प्रू जो नीचे तक का रस्ता था वो वर्टिकल पास वे था रनर हमारा ऑर्जोंटल था और राइजर अपने आप में फिर क्या हो गया वर्टिकल हो गया इट इज़ ऑलसो नोड एज फीड इसको क्या बुलाते हो फीड इसमें हमारी सॉलिडिफिकेशन हो जाती है और इंश्योर करता है कि मेरी सॉलिडिफिकेशन हो गई बीच में हमने दीदी थी एक फेरिकल कैबेटी पड़ी थी जिसका नाम क्या था स्किम्बॉब ये रहा स्किम्बॉब स्किम्बॉब क्या होता है हॉलो होता है ये एक्ट ऐसे करता है जैसे कि बैटिंग ड्रॉज हो ठीक है डेब्रिस को सैंड को इन सब चीज़ों को ये प्रिवेंट करता है अंदर जाने से वाई बिकॉज ये स्फेरिकल शेप में होता है तो जितनी भी फालतू चीज़ें होती हैं वो ऊपर रह है जाती हैं और मेटल मेरा नीचे से फ्लो करता हुआ चला जाता है डन विद गेटिंग सिस्टम हमारा गेटिंग सिस्टम यहाँ पे खत्म हो जाता है नेक्स्ट चलाते हैं कुपोला फाइनेंस में यार देखो कुपोला अगर नहीं आ रही समझ में बिकॉज मेजर बच्चों का तो यही उश्यू होता है कि कुपोला समझ में नहीं आ रही तो कुपोला में अगर मैं सीधी सी चीज बताऊँ तो इसके एलिमेंट्स पढ़ लो जैसे अभी तुम्हें ये अभी पढ़ाया था मैंने गेटिंग सिस्टम गेटिंग सिस्टम में कुछ हुआ था क्या नहीं था इजी पीजी था कैसे करा था तुमने जितनी भी चीजें थी उसको तुमने वन बाय वन एक्सप्लेन कर दिया प्लस मैं उसका डायग्राम समझ लिया सिमिलर काम कुपोला में कर सकते हो उसका जस्ट एक बार डायग्राम समझ लो और उसकी बेसिस पे उसकी थोड़ी थोड़ी डिफाइन लिखो प्लस मैं क्या याद कर रहा उसकी एप्लीकेशन

फाइनेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुपोला फाइनेंस का काम क्या होता है कास्ट आयरन को कन्वर्ट करना किसमें पिग आयरन को कन्वर्ट करना किसमें कास्ट आयरन में हाइलाइट कर दू आजा हम्म पिग आयरन को कन्वर्ट करना किसके अंदर कास्ट आयरन के अंदर इसी चीज़ को क्या बुलाते हो बोला फर्नाइंस बुलाते हो ये लास्ट तक जान नहीं रहा गया ठीक है ये कहाँ पे बनाई गई थी चाइना में बनाई गई थी कैसी शेप में होती है सिलेंड्रिकल शेप में होती है ये आपकी काम बेसिकली यही करती है कि पिग आयरन को कास्ट आयरन में कन्वर्ट कर देती है ये एक सिलेंड्रिकल शल होती है जिसमें बहुत सारे डोर्स होते हैं बहुत सारे डोर्स अभी तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे तो इसका काम क्या था फॉर द मेनी ईयर्स को पोला फर्नेस वॉज यूज टू मेक द आयरन इन आयरन फाउंड्रीज बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस गुड कास्ट आयरन फ्रॉम पिग आयरन क्योंकि अच्छी कास्ट आयरन बनाती है किससे पिग आयरन में से चलो लेट्स पो आ गए देखो ये होती है तुम्हारी कुछ कुपोला फर्नेस ऐसी दिखती है है ना शेप में है? ठीक है छोटी छोटी चीज़ें फटाफट से बता देती हूँ होता है स्पार्क अरेस्टर स्पार्क अरेस्टर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि तुम्हारी जो हार्मफुल गैसेज हैं उसे हम ऊपर से ब्लोन आउट कर चुके कर सकें ये होता है तुम्हारा स्टैक जोन जो तुम्हें अभी मैंने क्वेश्चन दिखाया था कि जोन्स पूछे गए थे तो वो यही जोन है एक होता है स्टैक जोन एक होता है प्री हीटिंग जोन प्री हीटिंग जोन के बाद आता है यहाँ पे मेल्टिंग जोन रिड्यूसिंग जोन और कंबेशन जोन तुम्हें जो ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी ना मुझे पता है इन तीनों को लर्न करने में आ रही होगी बिकॉज इसमें क्वेश्चन होती हैं तो लिख लिख क्या लर्न कर लो साथ में लिख लो इक्वेशंस को मेरे साथ अभी दिखाऊंगी उन्हें लिख लेना और लर्न कर लेना ओके okay. तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा स्टील छेले किसकी बनी होती है स्टील की बनी होती है यहाँ पे तुम्हारे फैक्ट्री है फ्राइंग बिग से बनी हुई है ईटो से बनी हुई होती है यहाँ पे जो लिखी है यहाँ पे तुम्हारा चार्जिंग डोर होता है ठीक है ये तुम्हारी चार्जिंग फ्लोर है जिसके थ्रू वो चार्ज होती है ये तुम्हारा विंड बॉक्स है जिसके अंदर से विंड यहाँ पे पास हो जाती है बिकॉज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह की नीड होती है तो तुम यहाँ से विंड बॉक्स भी लगाया हुआ हो होता है इसमें ये होता है एयर ब्लास्ट इनलेट जिसके थ्रू तुम एयर का ब्लास्ट कर भी सकते हो और निकाल भी सकते हो यहाँ पे आ जाता है तुम्हारा टैप होल टैप होल का, का काम तुम्हें नहीं पड़ना है सच ये होते है तुम्हारे बॉटम डोर जो ड्रॉपिक पोजिशन में होते हैं ये बॉटम का होल है ठीक है यहाँ पे क्या होता है ये ट्यूलर्स हैं और यहाँ पे एयर एयर करके होता है कुछ ट्यूलर्स और एक चीज़ और होती है अभी पढ़ाऊंगी तो दिख जाएगा ट्यूलर्स क्या होते हैं ट्यूलर्स वो चीज़ होती है जिसके थ्रू में से एयर निकलती है देखो यहाँ पे ये यह ट्यूलर है इनके बीच में से एयर पास हो सकती है इन चीज़ों में जा रही होगी ऊपर एयर ये जो बीच का है ये वाला पोर्शन यही पोर्शन मेन है भी समझा दूंगी इसके बारे में भी यहाँ पे आ गया स्लैग होल स्लैग अभी तुम्हें बताया था मैंने अनवांटेड चीज़ों को क्या बुलाते हैं हम स्लैग बुलाते हैं तो ये स्लैग होल है ये स्लैंड बेड है तो जितना भी तुम्हारा स्लैग है वो यहाँ से इसे ऊपर से नीचे बहता हुआ यहाँ से बाहर आ जाता है ठीक है यहां से बाहर आ जाता है यहां से बाहर नीचे फ्लो करता हुआ आ जाता है ये तुम्हारी की लेग्स हैं जिसके थ्रू फरनेस खड़ी होती है डन विद इट अभी बीच वाला समझा तो यार तुम्हारी लेयर्स में होता है ये काम चल नहीं रहा ये ठीक है यहां पे आ गया मेटल मेटल के नीचे तुम्हें देखने को मिलेगी मेटल के नीचे तुम्हें देखने को मिलेगी कोक और फ्लक्स तो पहले आ जाता है फ्लक्स और उसके बाद दोबारा कलर चेंज करके बनाती हूँ ये हो गई तुम्हारी कोक तो किस तरीके से होता है देखो सबसे ऊपर होता है मेटल उसके बाद होता है ये तुम्हारा फ्लाक्स और उसके बाद होता है तुम्हारा कोक ये कोक है ये तुम्हारा फ्लक्स अः हा फ्लक्स है लिखा नहीं जा रहा बहुत गंद चीज हुई है कि मेरा पेन टैब यार चलता तो पहले भी नहीं था सच बताऊं ऑनेस्टली बट अभी ज्यादा ही नहीं चल रहा पता नहीं क्या हुआ जैसे ही मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने बैठी तो पहले मैंने सोचा मॉर्निंग में जैसे तुम्हें बोला था कि मॉर्निंग में मिल जाएगा तो मैं मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग बैठी के पाँच से छः बजे तक तो रिकॉर्ड करके दे दूंगी बट नहीं चला फिर मैंने आफ्टरनून में ट्राई करा तब भी नहीं चला शाम हो गई तब भी नहीं चला अब रात में बैठ के मैं बना रही हूँ और परसों मेरा पेपर है लिटरली इस टाइम ऐसा हो रहा है अपना पढ़ लो जा करके बट तुम्हें प्रॉमिस कर रखा था तो मैंने सोचा बनाई देते हूँ ठीक है तो यहाँ पे आ गया पार्ट्स ऑफ कुपोला फरनेस इलेंट्रिकल शेल होती है बता दिया कास्ट आयरन के डोर्स होते हैं बता दिया सैंडमेट के बारे में बता दिया स्लैग होल के बारे में बता दिया कि अपोजिट साइड होता है ये और ये कैसा बना होता है ऐसी शेप में होता है स्लान शेप में जिससे कि जो स्लैग है वो बाहर आ सके रीड कर लोगे समझ में आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं है जो मोइन पॉइंट थी वो मैंने तुम्हें बता दिए ये रहा एयर पाइप्स और ट्यूलर जो मैं तुम्हें बता रही थी कि ट्यूलर्स होते हैं और एयर पाइप्स होते हैं इनका काम क्या होता है बीच में फरनेस में एयर देना भी और लेना भी ठीक है जैसे कि ऑक्सीजन होती है तो कंबेशन चाहिए कंबशन के अंदर ऑक्सीजन चाहिए होती है तो ये ट्यूलर्स ही हेल्प कर रहे होते हैं

फर्नास और पेगायरन जो चार्ज है वो क्या है चार्ज मतलब जिससे रही है क्या है पेगायरन है कोक है और लाइम स्टोन है यार अभी दिखाया था कोक लाइम स्टोन और जो तुम्हारा मेटर उसका कॉम्बिनेशन था तो वो यही तीनों चीजें थी इन्हीं तीनों चीजों को मिलकर के तुम्हारा लास्ट में क्या बन जाता है जो तुम्हारा रिस्पेक्टेड प्रोडक्ट है यहाँ से स्लैग होल से स्लैग भार आ जाता है देखो लिखा हुआ है इम्प्योरिटीज द फ्लक्स मिक्स विद्योरिटीज और उन्हें भार ले आती है कहा से स्लैग होल में से ये देखो लिखा हुआ ना ना समझ में आ गया नेक्स्ट चलते हैं स्लैग क्या होता है अनवॉन्टेड होता है मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताई हुई है ये चीज़ जो एमपी की पीले वाली वीडियो थी उसमें भी क्योंकि थोड़ा थोड़ा समझाया था यहाँ पे वेल आ गया ये रहा कम्बेशन जोन यार यहाँ से जो कम्बेशन जोन है इसके बारे में हल्का फुल्का पढ़ लेना रिड्यूसिंग जोन आ गया इसके बारे में भी हल्का फुल्का पढ़ लेना क्योंकि जोन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है मेल्टिंग जोन आ गया ठीक है कितने डिग्री पे होता है इतना ज्यादा डिग्री सोलह सौ डिग्री सेल्सियस देख रहे हो ना ये आ गया प्री हीटिंग जोन कितनी डिग्री पे रहता है इस डिग्री पे रहता है ये स्टैग जोन तो ये पांच तुम्हारे जोन से जिसके ऊपर आया था तो ये मैंने मार्क कर दिया रीड कर लेना यहाँ पे आ गई कंस्ट्रक्शन यार मेरे हिसाब से तुम्हें कंस्ट्रक्शन पढ़ने की नहीं है बिकॉज इतना लंबा क्वेश्चन है और तुम इतनी सारी चीजें लिखोगे तो तुम्हारा सारा टाइम तो एक ही क्वेश्चन ले जाएगा नहीं लिख सकते ना तो क्या कर देना मेन मेन पार्ट्स लिखना जरूरी नहीं है तुम अभी ऊपर वाले सारे पार्ट्स लिख रहे हो सिर्फ एक हेडिंग मेंशन कर देना टाइप्स ऑफ जोन उसके अंदर पांच जोन भी मेंशन कर दोगे तो काम खत्म अगर तुमने पूरी कोपोला फरनेस बनाने को बोला है तो बट हां जोन के ऊपर ही क्वेश्चन आया तो तुम्हें वो पांचों पांचों जोन एक्सप्लेन करने पड़ेंगे बट हां कोशिश करना तुम एक ही चीज पे स्टिक ना हो रहे हो एक ही चीज को ईगो पे ना ले रहे हो कि ये वाला क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से आता है यही करके जाऊंगा एस सच नहीं हर एक चीज अटेम्प्ट करके आनी है अटेम्प्ट करने के मार्क्स मिलते हैं किसी भी चीज को छोड़ोगे नहीं थोड़ा सा भी रिलेवेंट आता है तो रिलेवेंट चीज बना दोगे और ऐसा अगर होता है कि पेपर छूट रहा है क्योंकि

अगर टाइम मिले तो बिकॉज मिड सिम में आ चुका है कोपूल ऑफ फरनेस तो आई वोट सजेस्ट टू वेस्ट योर टाइम ओवर है यहाँ पे आगे एडवांटेजेस एडवांटेज जैसे भी बताई थी डिसएडवांटेजेस तो मैंने तुम्हें बताई थी एप्लीकेशन मैंने तुम्हें बताई थी तो कर लेना है एप्लीकेशन तो कुछ नहीं होती वही होती है कि पेगा आयरन को तुम मॉल्टन आयरन में कन्वर्ट कर रहे होते हो डिसएडवांटेज उसकी सीरीज ही होती है कि एक तो बहुत बड़ा होता है तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है दूसरे एडवांटेज के तुम्हें स्किल्ड लेबर चाहिए होती है किसी भी ऐसे व्यक्ति से हम जैसे व्यक्ति से तुम इतने हाई टेम्परेचर पर नहीं करा सकते हम हाथ जला के आ जाएंगे वापस कहीं जल जाएंगे प्लस में बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है एप्लीकेशन क्या हो जाती है बिकॉज इजी बिजी प्रोसेस है कम कॉस्ट uh, में हो जाता है कम फ्लोर लेता है कम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है कम मेंटेनेंस कॉस्ट है इसकी एडवांटेजेस है यहाँ पे तुम देख सकते हो कॉस्ट मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन ठीक है ये सब यहाँ पे भी तुम्हें पिर्न वगैरह दिखा दिया था डिसएडवांटेज ये रहा कि टेम्परेचर और ये रहा कि कन्वर्ट करवाते हैं ऑक्साइड को जो कि कुछ सुटेबल नहीं होता कास्टिंग में खत्म 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 लेके चलती हूँ तो मैं तुम्हें तुम्हारी पीडीएफ पे जल्दी से तो हमने कर लिया गेटिंग सिस्टम पढ़ा दिया था नेक्स्ट यार बहुत टाइम लग रहा है ना जल्दी जल्दी करते हैं उसके बाद आ गई तुम्हारी कास्टिंग कास्टिंग में क्या आ जाता है कास्टिंग में पूछे जाते हैं तुमसे उसके टाइप्स कास्टिंग पहली बात होती क्या है कास्टिंग के टाइप्स बता दो और कास्टिंग के डिफेक्ट बता दो जो मीजिकली क्वेश्चन आता है वो एक तो कास्टिंग के डिफेक्ट्स पर आता है प्लस में इसमें से पूछा जाता है शलमोल कास्टिंग बता दो पहला और दूसरा साइंटिफिकल कास्टिंग बता दो तुम्हारे सिलेबस में एक और है जिसका नाम प्रेशर डाई कास्टिंग है बट प्रेशर डाई कास्टिंग पे एज सच क्वेश्चन मैंने तो नहीं देखा इसके रिलेवेंट क्वेश्चन एक बार बार दिखा देती हूँ राइट द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीन सैंड देख रहे हो ना ग्रीन सैंड की प्रॉपर्टीज पूछी गई है बट ये रेयर केसेस में होता है यार ऐसी ना बहुत सारी सैंड होती है अभी तुम्हें पी डी एफ में दिखाऊंगी तो बारह से तेरह सैंड होती है उसमें से तुम बारह से तेरह में से दो नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो तुम पागल हो ठीक है ना इतना मत करना इन क्वेश्चन को ज्यादा कवर करना जो ज्यादा वेटेज रखते हैं फॉर एग्जाम्पल फोर्थ यूनिट छूई नहीं है तो दीदी पहले पावर मेटर में याद करना होगा राधर दे रीडिंग ट्वेल्व डिफाइन फॉर जस्ट टू मार्क्स बिकॉज बारह नंबर बारह डिफाइन तुम याद करोगे जिसमें से सिर्फ एक ही आएगी और वो भी दो नंबर की तो तुम पागल हो अगर ये काम कर रहे हो उस चीज को पहले करना जो ज्यादा स्कोरिंग है ठीक है उसके बाद तुमसे हॉट और कोल्ड प्रोसेस पूछा जाता है हाँ ठीक है तो ढाई नंबर में आया हुआ है फिर तुमसे क्या पूछा जाता है स्टेट करो और स्केच करो द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग बोला था ना इन्वेस्टमेंट कास्टिंग तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कास्टिंग डिफेक्ट्स बता दो सारे के सारे उसकी रेमेडीज़ के साथ दस नंबर में पूछा गया है इसी को और करके मैंने लिखा है बिकॉज ये ऐसे भी आया था कैसे कि उस कास्वेस्टमेंट कास्टिंग उसके यूजेज लिमिटेशन तो और डायग्राम देखो बोला था ना कितने नंबर में आ गया सीधा साढ़े नंबर में सीधा साढ़े बारह नंबर में आया है तो इसलिए इन चीज़ों को करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है राधा देना टुच्ची मुच्ची चीज़ें के टाइप्स ऑफ सैंड क्या होती हैं ठीक है थीके? मत करना उसे नेक्स्ट आ गया यहाँ पे हॉट और कोल्ड वर्किंग प्रोसेस क्या होते हैं डिस्टिंग्विश कर दो अभी ऊपर भी दिखाया था तो मैं नीचे भी आ गया फिर उसके बाद पूछा गया है कि एक अच्छे मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टी क्या होती है हाँ ये चुच्चा मुच्चा कर सकती हो कि अच्छा मोल्डिंग सैंड के अंदर हाई वो होनी चाहिए पोरोसिटी होनी चाहिए और भी रिफ्रैक्टोरीनेस होनी चाहिए एसेसिवनेस होनी चाहिए ऐसी चीज़ें पढ़ी है ना नहीं पढ़ी तो दिखा दूंगी अभी फिर आगे यहाँ पे एक्सप्लेन करो कंपोजिशन को और प्रॉपर्टीज को मोल्डिंग सैंड की किस किस चीज़ से बना होता है फिर यहाँ पे आ गया सेंट्रफिकल कास्टिंग देखो बताया था सेंट्रिफिकल कास्टिंग ये मत मानना मैंने एक ही बार लिखा तो एक ही बार पूछा गया बहुत बार पूछा गया सेंट्रिफिकल कास्टिंग अच्छे से कर लेना मुझे पता है मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ स्लो करके देख लेना ठीक है नेक्स्ट आ गया परमानेंट मोल्ड कास्टिंग के बीच में और सेंट्रिकल कास्टिंग के बीच में डिफरेंस पूछा गया जिसमें से परमानेंट मोल्ड कास्टिंग कट चुकी है समझा डन यार, यार बहुत मुश्किल से निकाले थे क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए पूरे दस साल के पेपर स्किम करने पड़ गए इसके लिए तो पढ़ लेना यार अच्छे से वेस्ट नहीं जानी चाहिए मेहनत अब लेकर चलती हूँ मैं तो मैं कास्टिंग पे कास्टिंग की पीडीएफ मेरे पास बहुत बड़ी है दिखाऊं कास्टिंग की पीडीएफ मेरे पास बहुत बड़ी है आ गई देखो हम्म तो मैंने तुम्हें कास्टिंग के बारे में तो अभी अभी बताया ही था क्या बताया था दीदी आपने जो मैंने तुम्हें गुंजिया वाला एग्जाम्पल दिया था वो सब कास्टिंग ही था ठीक है बताया था ना कि एक ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट की जो रेप्लिका है उसे तुम पैटर्न बुलाते हो पैटर्न के अंदर जो हॉलो स्पेस है तुम उसे मोल्ड बुलाते हो जिस चीज़ को अंदर पोर करा रहे हो तो वो मोल्ट एंड मेटल होता है जब वो चीज़ बन जाती है तब तुम उसे सॉलिडिफिकेशन होने के लिए कूलिंग करने के लिए छोड़ देते हो जिससे कि वो अच्छे से सॉलिडिफाई हो जाए उसके बाद जब तुम उसे बाहर निकालते हो तो तुम उसे क्या बुलाते हो कास्टिंग बुलाते हो यही पूरा का पूरा कास्टिंग का प्रोसेस होता है अभी एक और बार जल्दी से दिखा भी देती हूँ जल्दी जल्दी कास्टिंग को कवर कर लेते हैं

डिजायर्ड शेप किस कौन सी शेप की होती है डिजायर्ड शेप की होती है एंड देन अलाउ टू सॉलिडीफाई सॉडिफाई होने के लिए छोड़ देते हो दॉलिफाइड पार्ट इज कॉल्ड एस कास्टिंग जो चीज सॉलिफाई होकर आती है हो, उससे तुम क्या बुलाते हो कास्टिंग बुलाते हो उस चीज को या तो, तो तुम इजेक्ट आउट कर लेते होते 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 हो जेक्ट आउट करना मतलब बाहर निकालना गुंजिया को तुमने बाहर निकाल दिया एक केस होता है गुंजिया क्या दीदी वो डब्बा खुल नहीं रहा था तो तुमने डबे को तोड़ दिया और गुंजिया बाहर निकाली तो ब्रोकॉन आउट करके निकाल लिया ये केस कब होता है जब तुम्हारा जो मेटल है वो ब्रिटल है टूट सकता है तो तुम्हें मोल्ड को भी तोड़ देना पड़ता है इसलिए दो टाइप के मोल्ड होते हैं एक होता है रिव्यूजेबल एक होता है नॉन रिव्यूजेबल जो गुंजा के केस में आप ये करते हो मतलब रही समझ में भी आ रहा होगा नहीं समझ में आ रहा तो बैक करके देख लेना यार समझ जाओगे इतनी चीजें तुम्हें पहले से आनी चाहिए थी बट नहीं आती तो कोई बात नहीं मैं बेसिक से ही समझा रही हूँ बेसिक टू तो एडवांस लेके जाऊंगी धीरे 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 डन नेक्स्ट आ गए टाइप्स ऑफ कास्टिंग पे तो यहाँ पे आता है आपका एक सैंड कास्टिंग उसके बाद आ जाता है प्रेशर डाई कास्टिंग फिर आ जाता है शेल कास्टिंग और फिर आ जाता है सेंट्रिफिकल कास्टिंग यार उसमें ना मैंने एक इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का क्वेश्चन डाल दिया था उसे काट देना इन्वेस्टमेंट कास्टिंग नहीं आती ठीक है आई टेक माई वर्ड्स बैक इन्वेस्टमेंट कास्टिंग नहीं आती कट गया ये जो नीचे लिखी हुई है ना ये अब नहीं आती अरे काटा भी कहां लग रहा है ये अब नहीं आती तो हमें सैन कास्टिंग पढ़नी है सैनकास्टिंग इसी पीडीएफ में मिल जाएगी प्रशड़ा कास्टिंग की अलग पीडीएफ है शेल कास्टिंग की अलग पीडीएफ है और सेंट्रिफिकल कास्टिंग की अलग पीडीएफ है मैं अलग पीडीएफ क्यों मेंशन कर रही हूँ बिकॉज जो बच्चे पहले की एम वाली वीडियो देख के आए मेडन वाली उनको बहुत सारी पी मिली थी तो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सेंट्रफिकल तो मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं इस पी में तो था नहीं तो यार उसकी अलग पी है और पूरी की पूरी ड्राइव नीचे अटैच है तो तुम्हें सब मिटीरियल उसमें मिल जाएगा प्लस में इस पीडीएफ इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वो मैं आपसे सीधा साइट का लिंक अटैच किया करूँगी रादर देन ड्राइव लिंक तो

सैंड यूज इन मेकिंग मोल्स कैन कास्ट मटीरियल जाना टिपिकली बेज ऑन सिल्का बेस मटीरियल में बनता है सिंथेटिक देखो 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 सच है सिंथेटिकली सिंथेटिक और नेचुरल बॉन्ड and कास्ट इन जनरली कंसिस्ट ऑफ फाइनली ग्राउंड स्फेरिकल ग्रेन्स किससे बनी होती है फाइनली ग्राउंड टाइटली पैक हो जाते हैं जो कि टुगेदर फॉर्म करने के लिए क्या मोल्ड का सरफेस तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या होती है सैंड कास्टिंग में बेसिकली सैंड की बात हो रही है तो सैंड कैसी होती है राउंड होती है स्फेरिकल होती है छोटी छोटी होती है टाइटली पैक्ड हो जाती है जिससे कि वो सैंड मिल करके मेरा मोल्ड के अंदर जाके मेरा बाहर मटीरियल साफ सुथरा

हाँ मैं मानती हूँ मैंने एक जगह पढ़ाया है बट सेल याद है तो ऐसे याद रखना होता है कि तुम अगले ईयर तक याद रखो चीज़ों को यह हम क्यों यूज़ करते हैं मोल्ड बनाने के लिए विच मॉल्टन मेटल विल बी पोर्ड इन टाइट द कास्टिंग प्रोसेस हम क्यों यूज़ करते हैं पैटर्न का मोल्ड बनाने के लिए मोल्ड क्या थी हॉलो कैवटी थी क्यों यूज़ करते हैं जैसे कि आप माल्टन मेटल को डाल सको किसके अंदर तुम्हारे शेल के अंदर टू मेक द मेटल ठीक है यहाँ पे आ गया साउंड कास्टिंग इस चीज़ों की बनी हो सकती है नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे क्या मोल्ड क्या होता है अभी बताया था हलो कैविटी होती है पढ़ लेंगे मोल्डिंग प्रोसेस बुलाते हो जो तुम्हारे मोल्ड बनाने की प्रोसेस होती है नेक्स्ट ये तुम्हारा आ गया अः स्टेप कौन से होते हैं कास्टिंग में ओरली बता देती हूँ सबसे पहला होता है क्रिएट करना होता है पैटर्न को दूसरा होता है मोल्ड बनाना तीसरा होता है मेटल सिलेक्शन करना चौथा होता है सॉलिडिफिकेशन के लिए छोड़ना और फिफ्थ होता है फिनिशिंग कर देना दोबारा से बताऊँ पहला होता है पैटर्न बना लो पैटर्न के अंदर मोल्ड बना लो मोल्ड के बाद अलॉय सेलेक्ट कर लो कौन से अलाउ को यूज करोगे फोर्थ आ जाता है सॉलिडिफाई करने के लिए छोड़ दो लगा करके और फिफ्थ आ जाता है फिनिशिंग के लिए कर दो फिनिशिंग मतलब जो चीजें एक्स्ट्रा पार्ट आ गए मान लो कहीं से निकाला गुंजिया में से फालतू की थोड़ा सा लगा रह गया जो भी आटा मैदा होता है वो लगा रह गया तो उसे निकाल दिया तो वो क्या हो गई फिनिशिंग हो गई साफ सुथरी गुंजिया बन गई यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री चूज द अलॉय उसके बाद मेल्ट द अलॉय पोर इन टू द मोल्ड आ गया समझ में फिफ्थ uh, आ गया कास्टिंग कर, uh, कास्टिंग कर दो उसकी कास्टिंग मतलब उसके अंदर सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ दो और बाहर निकाल दो रिमूव कर दो फिर आ गया फिनिशिंग लास्ट सेवेंथ ठीक है चलते हैं आगे टाइप्स टाइप्स ऑफ ऑफ पैटर्न पैटर्न या के ऊपर सच क्वेश्चन नहीं आता तो जस्ट मैं एक बार ओवरव्यू दे रही हूँ नहीं आता क्वेश्चन ठीक है मान लो मेरी बात दिखा देती हूँ बस बस तुम्हें क्योंकि पी में लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ गया सिंगल पीस पैटर्न सिंगल पीस पैटर्न क्या होता है एक ही बार में पैटर्न बना और तुमने उसे बाहर निकाल दिया स्प्लिट पैटर्न क्या होता है दो पार्ट्स में बनाया दो पार्ट्स को अलग कर दिया स्प्लिट पैटर्न हो गया स्प्लिट पैटर्न का ही दूसरा नाम होता है एक और मैच प्लेट पैटर्न मैच प्लेट पैटर्न के बीच में एक तुम्हारा ये जो देख रहे हो बीच में ये लगा होता है इसमें तुम एक ही साथ बहुत सारे बना सकते हो स्प्लिट पैटर्न में दो जैसे आइडेंटिकल बनेंगे इसमें ग्रुप्स ऑफ आइडेंटिकल बना सकते हो उसमें एक बार में दो ही बनेंगे यहाँ पे तुम ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल बना सकते हो नेक्स्ट कोबोर्ड रैग पैटर्न कोपोर्ड रैग पैटर्न दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है किसका है ये गेटिंग गेटिंग सिस्टम का उसमें भी ये था ना कोबोर्ड रैग और पार्टिंग लाइन बीच में नेक्स्ट होता है गेटेड पैटर्न गेटिंग पैटर्न होता है जिसमें बहुत सारे गेट्स लगाए हैं गेट्स क्या होते हैं दीदी ये ये एक गेट अपने आप में ठीक है ये एक गेट अपने आप में ये एक गेट अपने आप अप में तो होता है गेटिंग पैटर्न नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ आ गया स्वीप पैटर्न स्वीप क्या होता है स्वीपर स्वीप क्या करता है स्वीप करता है सारे कूड़े को है ना तो यहाँ पे यह स्वीप है स्वीप जब रोटेट होगा तो मेरी कैविटी बन जाएगी ये देखो ये जैसे ही रोटेट होगा तो इसने यहाँ पे अपनी शेप की कैविटी फॉर्म कर दी ये ये स्वीप ने फॉर्म कर दिया नेक्स्ट चलते हैं यहाँ गया लूस पीस पैटर्न पीस पैटर्न क्या होता है पैटर्न के अंदर बहुत सारे लूस पीसेस से दैट इज कॉल्ड लूज पीस पैटर्न नेक्स्ट चलते हैं पैटर्न अलावेंस पैटर्न अलावेंस क्या होता है uh, के पैटर्न में कुछ खाली जगह छोड़ना सो so दैट तुम उसमें से फिनिशिंग करते टाइम चीज़ों को हटा सको तो uh, ये क्यों यूज़ किया जाता है टू इंश्योर द प्रोडक्ट इज डायमेंशनली करेक्ट कि तुम्हारा जो एंड प्रोडक्ट है वो डायमेंशनली करेक्ट बने प्लस में उसका जो विड्रॉल है वो ईजी पीजी हो जाए आराम से पैटर्न बाहर आ जाए मान लो तुमने ऐसा पैटर्न बनाया जो एकदम शेप के एग्जैक्ट था तुम उसे बाहर निकाल रहे हो जो चीज़ थी कास्टिंग थी वो अति टूट के बाहर आ गई नॉट वर्थ हिट ना तो वर्थ हिट बनाने के लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस छोड़नी पड़ती है जैसे कि ईजी विडड्रॉ हो जाए तो ईजी विड्रॉल करने के लिए आप पैटर्न अलाउंस छोड़ते हो अलाउंस दे रहे हो मतलब थोड़ी सी स्पेस एक्स्ट्रा दे रहे हो यार पैटर्न अलाउंस के ऊपर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता तुम तो तो एक बार रीड कर लोगे तो हो जाएगा श्रिंकेज हो गया ड्राफ्ट हो गया मशीनिंग हो गया फिनिशिंग uh, हो गया डिस्टोरशन हो गया और तुम्हारे यहाँ पे फिनिशिंग और मशीनिंग हो गया ठीक है इसका क्वेश्चन कब पूछा जाता है मिड सेम सेम पूछा जाता है इसलिए वो जो मिड सेम वाली वीडियो थी उसमें मैंने पढ़ाया था ठीक है उसमें पढ़ाया था उसमें जाकर के पढ़ भी सकते हो तुम्हारी इच्छा कर रही हो

हाँ ये ग्रीन सैन वही है ठीक है तो ये वही बारह डिफाइंस चौदह डिफाइंस होंगी जो मैंने तुम्हें अभी बोली थी कि पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो टाइम वेस्ट करने के लिए बारह डिफाइंस हैं यार अगर हाँ तुम्हें लगता है तुम्हारा सब कवर हो गया तो बाद में जा करके इन्हें लर्न कर लेना आई वॉन्ट रेसिस्ट यू बट यार स्टार्टिंग में लेके मत बैठ जाना ठीक है स्टार्टिंग में वो चीज़ें करना जो मेन मेन है देख रहे हो कितनी सारी डिफाइंस हैं तो ये सात डिफाइंस है जिसमें से एक पूछी जाती है दो पूछी जाएगी मैक्सिमम नेक्स्ट आ गई प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग्स एंड इन्हें एक बार हाँ रीड कर सकते हो करना चाहते हो तो वरना इसमें से भी ऐसा जितना नहीं आया था कम कम आता है इसमें से भी ठीक है ये प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बाद ये कोर प्रिंट्स और चैपलेट्स है इन्हें जरूर रीड कर लेना एक बार ये मैं पूरा हाईलाइट मार रही हूँ इसे रीड कर लेना कोर प्रिंट और चैपलेट्स को ठीक है इसमें डायग्राम नहीं है डायग्राम होता तो मैं डायग्राम से जल्दी जल्दी समझा देती डायग्राम एक बार जाके देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कोर कोर प्रिंट और चैपलेट्स क्या होती है चैपलेट्स बेसिकली पिंस होती हैं जो तुम्हें कोर को पकड़ के रखती हैं कोर प्रिंट तुम्हारा क्या होता है रिजन जो एड करते हो तुम पैटर्न में कोर में या मोल्ड में रोकेट करने के लिए उसके सपोर्ट को विद द मोल्ड ये होती है जस्ट डिफाइन ने लर्न करनी पड़ेगी इसको रटनी रटना ही पड़ेगा तुम्हें क्योंकि ये डिफाइन है बिगेज ठीक है डिफाइन में जितना समझा सकती थी मैंने समझा दिया अब तुम्हारा आगे आ, आ रही है प्रेशर डाई कास्टिंग प्रेशर डाई कास्टिंग में नहीं करा रही क्वेश्चन नहीं आता क्वेश्चन नहीं आता बट स्टिल पीडीएफ तुम्हें दी है तो इसलिए दिखा रही हूँ कि ये चीज़ मत करना प्रेशर डाई कास्टिंग के बाद नेक्स्ट पे लेके चलती हूँ सेंट्रिफिकल कास्टिंग इस पर आ जाता है ये इंपॉर्टेंट है ये पूरा समझाऊंगी ठीक है सेंट्रिफिकल कास्टिंग पे पूछा जाता है सेंट्रफिकल कास्टिंग को आप रोटो कास्टिंग भी बुलाते हो काफी बार जो जो कास्टिंग है सेंट्रफिगल मतलब क्या होता है टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रिफिकल मतलब टुवर्ड्स द सेंटर तो जो तुम्हारा मेटल है उसे सेंटर की टुवर्ड्स लेके आओगे घुमाओगे जब तुम रोलर को तो तुम्हारा मेटल क्या आएगा टुवर्ड्स द सेंटर आएगा इसी चीज को तुम सेंट्रीफिकल कास्टिंग बुलाते हो यही चीजें तुम सेंट्रफिकल कास्टिंग से प्रोड्यूस कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट लेके आ जाती हूँ इसके अंदर स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं सबसे पहले तुम मोल्ड बनाओगे सबसे पहले तुम मोल्ड बनाओगे हलो कैविटी क्रिएट करोगे इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये एक बार में तीन सौ से लेकर के तीन हज़ार राउंड्स पर मिनट ले सकता है और टिपिकली कितने लेता है थाउजेंड राउंड्स पर मिनट ये लेता है उसके बाद आ जाती है पोरिंग आपने मेटल को अंदर पोर कर दिया फिर आपने मेटल को पोर कर दिया तो सॉलिडिफाई होने के लिए कूल cool होने के लिए छोड़ते हो वही सैंड कास्टिंग वाले स्टेप्स हैं जस्ट उसकी थोड़ी सी ये जो इलेब्रेशन है ये डिफरेंट है तो लैब्रेशन एक बार पढ़ लेना कूल करने के लिए छोड़ दिया उसके बाद कास्टिंग को तुमने रिमूव कर लिया और फिनिशिंग कर लिया मैंने

इसके बाद शायद एक और मैंने इजी पीजी भी बनाया है क्या नहीं है यही है चलो ठीक है तो यहाँ पे तुम्हें इतना डिफिकल्ट बनाने की नींद नहीं है थोड़ा सा नेट पे इसका ना वो दिख देना ब्लॉक डायग्राम क्या लिख देना नेट पे ब्लॉक डायग्राम तो तुम्हें और ईजी दिख जाएगा कि तुम बना के आ सकते हो उसको लिखा नहीं जा रहा है तुम तो उससे आज ना ब्लॉक डायग्राम ठीक है डी लिख दिया मैंने ब्लॉक डायग्राम सर्च करोगे तो वो थोड़ा तुम्हें पेंसिल फॉर्म में दिखा देगा स्केच टाइप में तो वैसा बना के आ सकते हो होता क्या है ये लेडले है मैंने तुम्हें गेटिंग सिस्टम में बताया था लेडले लेडले वो स्पून होती है जिसके थ्रू तुम, तुम मेटल को पोर करते हो ये रहा लेडले ये रहा मोल्टन मेटल जो ये निकाल रहा है फिर ये यहाँ तुम्हारा सेंट्रीफिकल कास्टिंग का सिस्टम जिसके अंदर तुम मेटल को पोर करवाते हो दिख रहा है यहाँ पे जब वो पोर होगा तो वो सेंट्री ही होगा सेंटर की तरफ ही जाएगा मैं कुछ गलत नहीं बोल रही सेंट्रीफुगल ओ सॉरी 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 वो तो सेंट्री होता है माय मिस्टेक सेंट्रीफ्यूगल होता है अवे फ्रॉम सेंटर सेंट्रीफ्यूगल मतलब अवे फ्रॉम सेंटर सेंट्रीपिटल होता है टुवर्ड्स अ सेंटर सॉरी थोड़ा मस्त वर्ड्स कंफ्यूज हो गई ये हो गए तुम्हारे टॉप रोलर्स ये हो गए तुम्हारा मोल्ड ये हो गई तुम्हारी कास्टिंग कास्टिंग किसके अंदर जाती है इसके अंदर जाती है ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेट करता है जैसे कि तुम्हें यहाँ सिंबल से दिख रहा होगा किसके थ्रू रोटेट करता है हम रोटेट करवाते हैं क्या नहीं मोटर रोटेट करवाती है ये है पोरिंग बेसिंग पोरिंग बेसिंग मतलब जिसके अंदर तुम डाल रहे हो यह है तुम्हारे बॉटम रोलर ऊपर से तुम्हारे टॉप रोलर तो रोलर्स की मदद से ये घूम रहा होगा डन समझ में आ गया अब जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो स्पेशली मकैनिक्स में तो उसकी एप्लीकेशन एडवांटेजेस और तुम्हें पता होनी चाहिए एट लीस्ट ठीक है तो ये सब चीजें पढ़ने के बाद तुम्हें क्या पढ़नी है इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज ठीक है ना तो ये पढ़ लोगे छोड़ दू दिखा दू एक बार रिलेटिवली हाई स्पीड पे घूमता है रिलेटिवली वेरी लाइट इंप्योरिटीज मूव इनवर्ड्स अ टुवर्ड्स वर्ड द सेंटर सो दे कैन बी रिमूव दस हेल्पिंग इन प्रोड्यूसिंग साउंडस कास्टिंग ठीक है ना तो जो तुम्हारी इम्प्योरिटीज़ होती है वो अंदर चली जाती है गेट्स और राइजर्स की नीड नहीं होती ये टेक्निक बेस्ट है क्यों क्योंकि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए तो तुम एक ही सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट टाइप बना सकते हो ये भी तुम नीचे देखोगे डिसएडवांटेज में भी आएगा देखो दिखा तो कि सिर्फ सिल, सिल, सिलेंड्रिकली बना सकते हो और कुछ नहीं बना सकते देखो ओनली सम शेप्स कैन बी जनरेटेड बाय द कास्टिंग प्रोसेस तो जो कि ऊपर देखिए कि सिलेंड्रिकल बहुत अच्छा बनाती है वही तुमने नीचे डिसएडवांटेज में लिख दी कि तुम और कोई तो बना ही नहीं सकते नेक्स्ट आ गया जो प्रोडक्ट तुम ऑप्टेन कर रहे हो इस casting से उसमें रिक्वायर्ड होती है ये disadvantage हो तो advantage, disadvantage हो हो गई। गई। तो मैंने तुम्हें दिया, भी गया, पे लेके चलती हूं। casting defects के बाद कुछ बचा है क्या? यार नहीं कास्टिंग डिफेक्ट्स लास्ट टॉपिक है चैप्टर खत्म यूनिट वन खत्म चलो कर देते हैं फिर जल्दी से यह आ गया तुम्हारा कास्टिंग डन कास्टिंग डिफेक्ट्स में यहाँ आ गई कास्टिंग डिफेक्ट्स तो ये आ गई डेफिनेशन कास्टिंग डिफेक्ट्स क्या होती है अनवांटेड इरेगुलैरिटीज़ दैट अपीयर इन द कास्टिंग ड्यूरिंग द मेटल कास्टिंग प्रोसेस उसे तुम क्या बुलाते हो कास्टिंग डिफेक्ट जो इररेगुलैरिटीज आती हैं अनवांटेड होती हैं जिन्हें तुम नहीं चाहते होते कि ये आए वो क्या होती हैं कास्टिंग डिफेक्ट्स होती हैं यार कास्टिंग डिफेक्ट्स अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है तुम इसे पढ़ के ही समझ पाओगे स्टिल एक बार जस्ट दिखा रही हूँ इसे याद कर लेना मैं मार्क कर देती हूँ इंपॉर्टेंट है ये ठीक है ये इंपॉर्टेंट है है hey, है hey, hey, आता है ठीक है चले कौन कौन से टाइप की होती है दीदी गैस पोरोसिटी हो सकती है श्रिंकेज इफेक्ट्स हो सकते हैं गैस पोरोसिटी मतलब अनवांटेड होल्स बन गए बबल्स बन गए श्रिंकेज इफेक्ट मतलब जिस शेप की चाहिए थी उससे कम बनी है उससे कम बनी है श्रिंक हो गई मेरी मेटल जिस शेप में आनी थी उससे कम बना श्रिंकेज हो गया मोल्ड मटीरियल डिफेक्ट्स कट आ गए वॉशिज आ गए स्वेल्स आ गए कहीं पर पे मेटल पेनिट्रेशन हो गया कहीं पर रेड टेल निकल गई रेड टेल मतलब पूछ निकल गई बाहर नहीं चाहिए थी कट चन वॉशिज आ गए कट्स के निशान आ गए स्वेल हो गई एक्स्ट्रा मेटल आ गई नहीं चाहिए थी पोरिंग मेटल डिफेक्ट मतलब कोल्ड शर्ट आ गया मिस्रन आ गया या फिर स्लैग इंक्लूजन आ गया पोरिंग

ठीक है ये रहा गैस पोरोसिटी मैंने तुम्हें बताया था अलग अलग होते हैं तो ये रहा ब्लू होल्स ये रहा ओपन होल्स और ये रहा पिन होल्स ये तुम्हें ब्लू होल्स का और पिन होल्स का डायग्राम दिखाया हुआ है ब्लू होल्स कुछ इस टाइप से बन जाते हैं और पिन होल्स कुछ इस टाइप से बन जाते हैं दीदी ये तो सेम सेम ही दिख रहे हैं जब ये गैस पोरोसिटी के अंदर आए हुए हैं तो तुम्हें जब डिफेक्ट याद कर रहे हो तो तुम्हें उसका कॉज पता होना चाहिए और उसकी रेमेडी बता होनी चाहिए कॉज पता होनी चाहिए और रेमेडी जो भी कॉज है उसकी रेमेडी उसका उल्टा कर दो मान लो तुमने बोला कि इस वजह से आ रहे होते हैं कि मॉइस्चर था सैंड में ठीक है तो क्या लिखोगे जब तुम इसे डाल रहे डोगे अगली बार से मॉइस्चर कम रखना यहाँ पे तुमने बोला लो परमीबिलिटी है सैंड की तो अगली बार जब सैंड लोगे तो हाई परमीबिलिटी की ले लेना ये चीज होती है यहाँ पे भी तुम कॉज देख लो बेसिकली इसकी कॉज याद कर लोगे तो काम चल जाएगा इसे बस एक बार रीड मार लेना जो ऊपर की चीज़ है बेसिकली कॉज और रेमेडी लिखनी होती है तो यहाँ पे कॉज क्या हो जाएगी कि हाई मॉइस्चर था सेम है एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस हो गई थी इस केस में क्या ऑब्जॉर्ब कर लिया तो उसने हाई हाइड्रोजन गैस इस वजह से बबल्स फॉर्म हो गए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे आ गया श्रिंकेज डिफेक्ट श्रिंकेज कैविटी तो श्रिंकेज मैंने तुम्हें बताया था जिस शेप की मेडल चाहिए थी उससे कम में बनी है तो वो क्या कहलाएगा श्रिंकेज कहलाएगा तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन है कैविटी की वो कास्टिंग ड्यू टू तो श्रिंकेज हो गई है तो कॉज क्या है यहाँ पे अनकंट्रोल्ड सॉलिडिफिकेशन है सॉलिडिफिकेशन ज्यादा हो गई है तुमने ज्यादा देर ठंडे होने के लिए छोड़ दिया इस वजह से वो श्रिंकेज हो गया पोरिंग टेम्परेचर इज टू हाई हो सकता है वहाँ पे पोरिंग टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हो इस वजह से वो श्रिंक कर गई है ना मेल्ट करके कम हो जाती है उसकी वो यहाँ पे आ गया नेक्स्ट क्या है ये मोल्ड मटेरियल डिफेक्ट डिजायर डायमेंशन से कम हो गया तो ये क्या कह रहे हो तुम स्वेल हो गया डिजायर डायमेंशन से ज़्यादा हो गया डिजायर डायमेंशन ये अंदर वाली थी और बना कितना ये बाहर वाले जितना तो ये क्या कहलाएगा स्वेल ये क्या कहलाएगा ड्रॉप एक्स्ट्रा मटीरियल आ गया तो दोनों में एक्स्ट्रा मटीरियल तो किसमें है मोल्ड मटेरियल डिफेक्ट में है दोनों केसेज में एक्स्ट्रा मटीरियल जनरेट हो रहा है क्यों हो रहा है ऐसा क्योंकि पोरिंग टाइम पे ज़्यादातर एक ना डिफेक्ट सेम रहता है कि पोर तुमने गलत तरीके से करा है ठीक है ये डिफेक्ट हर हर जगह लिख सकते हो किसी में भी लिख देना यहाँ पे आ गया सॉफ्ट रैमिंग नहीं करी तुमने लो स्ट्रेंथ ऑफ सैम सॉफ्ट रैमिंग मतलब

आ गया मेटल पोरिंग डिफेक्ट कोल्ड छट कोल्ड शट क्या होता है तुम्हारा मिश्रण और स्लैग इंक्लूजन स्लैग इंक्लूजन होता है ये चीजें जो तो इसके अंदर आ गई मिश्र मतलब वो अंदर तक गया ही नहीं ढंग से पेनिट्रेट ही नहीं हो पाया तो यहाँ पे तुम डालोगे क्या कि तुमने चेक नहीं करा उसे डालने के बाद क्या वो अंदर तक गया या नहीं करा तुमने उसे डालने के बाद पेनिट्रेट नहीं करा इस वजह से ये चीज हो गई स्लैग इंक्लूजन में तुम्हारा तुमने ढंग से पूरी नहीं करा तुमने अपने लेटले को क्लीन नहीं करा ये सब तो ये जनरल चीजें है एक बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगी कोल्ड शट होता है ऐसे स्पेस छूट जाना ये वाली जो चीज है ना ये 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 है कोल्ड शर्ट के तुम्हारी विजिबल लाइन आ गई जहां पे तुमने मेटल को पोर करवाया वहां पे तो चैप्टर नंबर, हाँ नंबर टू पे यूनिट नंबर टू पे पहले मैं दिखा देती हूँ हमने अभी तक पढ़ क्या क्या लिया हमने पैटर्न देख लिए एक बार मस्जू भी दिखा देते हैं मस्जू में हम कर चुके पेन चेंज करके कर देते हैं इस बार हाँ तो हमने मजदूर में क्या कर लिया पैटर्न कर लिए उसके टाइप्स कर लिए डिफेक्ट कर लिए एक बार दिखा देती हूँ क्या क्या पूछा जाता है देखो पैटर्न लॉन्स के बारे में पूछा गया है है ना पांच टाइप ऑफ पैटर्न लॉन्स बता दो मेंशन एनी फोर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड पैटर्न कौन से पैटर्न की रिक्वायरमेंट होती है उसके बाद मास्टर पीस पैटर्न हो गया मेटल पीस हो गया मास्टर पैटर्न हो गया मास्टर पैटर्न हाँ यार एक बार कर लेना इस पीडीएफ में तुम्हें नहीं मिलेगा मास्टर पैटर्न बाहर से एक बार कर लेना ठीक है ना नेक्स्ट आ गया स्वीप पैटर्न बता दो मल्टी पीस पैटर्न बता दो ये सब चीज़ें मैंने अभी तुम्हें दिखाई थी स्वीप पैटर्न बताया था जब स्वीप की तरह उसने स्वीप कर दिया था तो ये सब चीज़ें इनमें ध्यान रखना जब भी इन्हें चीज़ को याद कर रहे हो तो विद फिगर याद करना विद डायग्राम याद करना कैसे याद करोगे दीदी बहुत सारे डायग्राम है तो बना बना के लर्न कर लेना हो जाएंगे ठीक है इतने ज्यादा कुछ रिस्की टिस्की नहीं है ईजी होता है हो जाएगा आराम से नेक्स्ट आ गया मेटल पैटर्न मटीरियल्स क्या होते हैं एक्सप्लेन ऑल द टाइप्स ऑफ पैटर्न इन ब्रीफ तो पैटर्न मटीरियर के बारे में बताओ फिर टाइप्स ऑफ पैटर्न बता दो ब्रीफ में कितने नंबर में आया स्ट्रेट साढ़े नंबर में आया तो इसलिए मैंने तुम्हें पैटर्न अच्छे से ले करके आधा घंटा देकर समझा दिया था अब नेक्स्ट आ जाते हैं पैटर्न के बाद एक खतम, हाँ खत्म हो गया नेक्स्ट आ जाते हैं तुम्हारा यूनिट नंबर टू यूनिट नंबर टू के क्वेश्चन है नंबर टू लिख देती हूँ <laughs> तो ये है तुम्हारी यूनिट नंबर टू जिसमें सबसे पहले आपसे गैस वेल्डिंग पूछी जाती है गैस वेल्डिंग में एक बात घाट बांध के रख लेना ऑक्सीऐसीटिलीन और जो नेक्स्ट होता है तुम्हारा वो चीज़ कर लेना अच्छे से ठीक है वो पूछी जाती है उसके बाद तुम्हारा आ जाता है इसमें टाइप्स ऑफ फ्लेम्स के ऊपर क्वेश्चन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम्स बता दो जिसमें तुम्हें वो बताना होता है कार्बनाइज ऑक्सीडाइज न्यूट्रल फ्लेम ये सब वाला क्वेश्चन आता ही आता है ठीक है ना ये केमिकल रिएक्शन बता दो टेकिंग इन प्लेस ऑफ अरे अरे ये ना गलत लग गया है यहाँ पे शायद से फर्स्ट क्वेश्चन गलत लग गया ये शायद उसका आ गया को बोला फरनेस के यहाँ गैस वेल्डिंग ऑक्सीटी गैस वेल्डिंग उसके इक्विपमेंट और फील्ड ऑफ एप्लीकेशन पूछा जाता है इसी के साथ यहाँ पे मेंशन कर लो टाइप्स ऑफ फ्लेम्स टाइप्स लिख नहीं पा रही हूं यार मैं प्लीज लिख लेना जहां पे भी लिख रही हूं क्योंकि मैंने पहले ही बोला था साथ में कॉपी लेके बैठना यहाँ पे आ गया फ्लक्स और फ्लक्स मटीरियल फ्लक्स और फ्लक्स मटीरियल में क्वेश्चन बहुत आता है हर बार रिपीटेवली आता है तो फ्लक्स की तुमसे प्रॉपर्टीज़ पूछ लेते हैं उसका फंक्शन पूछ लेते हैं ठीक है देख रहे हो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस में सेम ही चीज़ है कि फ्लक्स क्यों यूज़ करते हैं फ्लक्स की कॉम्पोजीन क्या होती है फंक्शंस क्या होते हैं और प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कर लेना ये चीज फिर आ जाता है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कम केस हैं थोड़े से मैं डाउन एरो बना दूंगी सब मस्ट आग वेल्डिंग भी थोड़ा डाउन डाउन इसका मतलब ये नहीं, नहीं ये है नहीं करोगे बिकॉज ये मस्ट डू है मोस्ट रिपीटेड है तो इसमें से आता है बट डाउन इसीलिए क्योंकि पहले नहीं पहले सबसे पहले गैस वेल्डिंग करना गैस वेल्डिंग के बाद फ्लक्स करना फ्लक्स के बाद टिगमिक करना टिगमिक के बाद वेल्डिंग डिफेक्ट्स करना सबसे पहले ये प्रायोरिटी में रखना अगर कम टाइम है तो ठीक है पहले से आता है तो कर सकते हो तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा टिगमिक गिर टिकमिक में से क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस पूछ लिया जाता है बिकॉज फिर नेक्स्ट आ गया तो रेसिस्टेंस वेल्डिंग पे भी मैं डाउन एरो बनाऊंगी इक्ट्रोस्लैग पे भी डाउन डाउन का मतलब ये नहीं है नहीं करना करना है बट लास्ट में वेल्डिंग डिफेक्ट पे बिल्कुल टॉप क्योंकि वेल्डिंग डिफेक्ट का क्वेश्चन बहुत आता है ठीक है बहुत बार पूछा जाता है तो मैंने तुम्हें, तुम्हें पाँच चीज़ें बता दी चार चीज़ें बता दी सबसे पहले गैस वेल्डिंग फ्लैक्स फ्लक्स मटीरियल थर्ड नंबर पर कर लेना टिकमिक टिकमिक के बाद करना वेल्डिंग इफेक्ट उसके बाद फिफ्थ नंबर पर सबको एक बार रीड आउट कर लेना जितनी बची हुई है इलेक्ट्रोस्लैग हो गया रिसिस्टेंस हो गया गैस आर्क हो गया मेटल आर्क हो गया ये सब तो इनकी पीडीएफ से दिखा देती हूँ मैं तुम्हें ये रहा आर्क वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग के अंदर ये रही उसकी जो तुम्हारे डायग्राम्स हैं ये रही उसकी कंस्ट्रक्शन ठीक है ये रहे उसके इक्विपमेंट्स इक्विपमेंट्स के बारे में नहीं लिखना होता तुम्हें कंस्ट्रक्शन वगैरह बतानी होती है हाँ यहाँ पे ये कर सकते हो एसी और डीसी के बारे में तुमसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है क्योंकि बता दो रिवर्स ऑर्डर में लग रहा है यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी मैंशन करा है दोबारा जाके देखना जो हमारे मोस्ट रिपीट क्वेश्चन उसमें ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि रिवर्स फ्लो में कब लगाया और पॉजिटिव फ्लो में कब लगाया ठीक है।, है तो कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होती है यार ये सब चीज़ें मैं नहीं पढ़ा रही क्योंकि तुम्हें ये चीज़ लर्न करनी पड़ेगी ठीक है एडवांटेजेस ऑफ ए वेल्डिंग डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी वेल्डिंग तुम्हें वेल्डिंग करना पड़ेगा खुद से वेल्डिंग जॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन कम आता है ऐसे नहीं आता इतना बिल्डिंग डिफेक्ट्स पे क्वेश्चन आता है ठीक है आर्क बिल्डिंग बता दिया इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्लैक की पीडीएफ ये रही तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी विद डायग्राम कर लेना एप्लीकेशन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के साथ डायग्राम के साथ ठीक है एडवांटेजेस ये डिसएडवांटेजेस ये रही है ये रही मैंने तुम्हें बोला ही था कि ये तीनों चीज़ें कर लेना नेक्स्ट आ जाते हैं टिगमिक पे टिगमिक का डिफरेंस पूछा जाता है तो कर लेंगे पहले टिगमिक सेपरेट करके और फिर डिफरेंस के साथ तो ये रही उसकी पीडीएफ ठीक है यहाँ पे आ गए एडवांटेज ये रही उसकी डिसएडवांटेजेस ये रही उसकी एप्लीकेशन कर लेना इसे याद से बिक्ज पूछी जाती है यहाँ पे एक लिंक भी इंसर्टेड है इस पर क्लिक करके तुम विजिट भी कर पाओगे कि वो कैसी रही होती है ये रही पूरी की पूरी मिग नीचे ये राम इनमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है बस कि एक में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है एक में अनकंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है सिर्फ ये डिफरेंस होता है नेक्स्ट आते हैं सबमर्ज आर्क वेल्डिंग पे ये पी डी एफ आ गई मेरिट्स आ गई डीमेरिट्स आ गए एप्लीकेशन आ गई वर्किंग आ गई फ्लक्स का रोल आ गया इसमें ये रही तुम्हारी इंट्रो और ये रहा तुम्हारा इसमें फिगर देख रहे हो इसे कहते हैं ब्लॉक डायग्राम दिस इज कॉल्ड एज ब्लॉक डायग्राम जिसमें सिंपल वर्ड्स में समझाया जाता है नेक्स्ट आ गए हम बेल्डिंग डिफेक्ट भी बेल्डिंग डिफेक्ट अ मेजर टॉपिक जो मैंने तुम्हें भी बोला ही था कि इसे अच्छे से करके जाना तो आई एम मार्किंग अ स्टार ओवर है नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे वेल्डिंग डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं ये सारे होते हैं इन्हीं चीज़ों को नीचे एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे आ गया वेल्ड क्रैक अंडरकट स्पैटर पोरासिटी ओवरलैप्स, लैग इंक्लूजन इनकम्प्लीट फ्यूजन ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं बिकॉज ये साढ़े बारह नंबर का क्वेश्चन आता है ठीक है विद कॉजेज और रेमिडीज लिखना होता है ये रहा विथ कॉजेज और रेमिडीज, तो तुम जब कॉजेस लिख रहे हो तो कॉजेज की अपोजिट क्या हो जाएगी रेमडी जैसे उसमें बताया था कि स्लैग uh, प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू इन प्रॉपर पोरिंग तो तुम क्या लगते हो ढंग से पोर करना होता है सिमिलरली यहाँ पे है। ठीक है अगर वेल्डिंग करते वक्त तुम्हारा इलेक्ट्रोड हिल रहा है तो रेमेडी क्या हो जाएगी इलेक्ट्रोड को कम हिलाना इसके साथ तुम्हारी यूनिट नंबर टू खत्म यूनिट नंबर टू में मैंने तुम्हें मेजर चार टॉपिक बता दिए जिन्हें पहले कवर करना उसके बाद रेजिस्टेंस हो गई इलेक्ट्रोस्लै हो गई मेटल आर्क हो गई इन्हें सेकंड प्रायोरिटी पे रखना हाँ बट एक बार देख लेना सब मजाक हो कोई इन्हें एक बार देख लेना पी मटेरियल तुम्हें पूरा प्रोवाइड हो जाएगा नो इश्यूज़ विद दैट तुम पहले वाली मौजूद की नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में से भी देख सकते हो प्लस में जो साइट अभी बनी है उसमें से भी जाके ले सकते हो नेक्स्ट आ गई अब तुम्हारी यूनिट नंबर थ्री है यूनिट नंबर थ्री ना मैंने दो पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है एक ये वाली है और एक और पीडीएफ है उसमें ठीक है दोनों में से जाके दे सकते हो यूनिट नंबर थ्री में बेसिकली क्या आ जाते हैं तुम्हारे हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग प्रोसेस आ जाते हैं सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ तुम्हें एक बार मजदूर टॉपिक्स में भी से भी ये देखो यूनिट नंबर थ्री और फोर में तुम्हें ना एक एडवांटेज मिल जाती है ये तो तुम्हारी यूनिट नंबर टू के मैंने तुम्हें समझा दिए इसमें से मैंने क्या बताया था सबसे पहले गैस करना फिर ये वाला टॉपिक करना उसके बाद टिगमिक करना और टिगमिक के बाद ये उसके बाद रेस्ट ऑफ बचे हुए कर लेना ठीक है कर लेना बट क्योंकि चार महीने तुम्हें मेजर बता दिए अब ये जो आ जाता है ना यूनिट नंबर थ्री इसमें मेजर प्रोबेबिलिटी होती है कि इस पार्ट और इस पार्ट में चॉइस आ जाए मेजर प्रोबेबिलिटी होती है तो इसमें आता क्या है तुम्हारा हॉट कोल्ड वर्किंग में सबसे पहले जो मेजर टॉपिक है वो फॉर्जिंग है सेकंड मेजर टॉपिक एक्सट्रूजन है सिर्फ दो ही टॉपिक्स हैं पहला फॉर्जिंग सेकेंड एक्सट्रूजन और पहला वाला कौन सा है हॉट और कोल्ड वर्किंग इसमें क्या है तुम्हारी शेयरिंग मेटल शीट मेटल मेटल्टिस्टिक जिसमें से सबसे ज्यादा कौन सा पूछा जाता है शेयरिंग बेंडिंग स्ट्रेच फॉर्मिंग और मेटल स्पिनिंग इसके ऊपर शॉर्ट नोट सीखने को आ जाते हैं ठीक है तो सबसे पहले क्या बताया डिफॉर्मेशन प्रोसेस हॉट और कोल्ड वाला उसके बाद फॉर्जिंग उसके बाद एक्सट्रूजन एक्सट्रूजन के बाद नीचे सेकंड पार्ट में हम आ गए जिसमें हमारा शीट मेटल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें से तुम्हें शॉर्ट क्वेश्चन लिखने को आते हैं ऊपर वाला डिफॉर्मेशन करके जाओगे तो तुम्हें एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलने की प्रॉबीबिलिटी होती है किसके ऊपर फॉर्जिंग के ऊपर जिसमें वो तुमसे फॉर्जिंग के टाइप्स पूछ लेता है उसके ऑपरेशन पूछ, पूछ लेता है और फॉर्जिंग की डिफाइन पूछ लेता है तीनों चीजें कंबाइन करके साढ़े नंबर में पूछा जा सकता है बहुत बार पूछा गया है दिखा देती हूँ मैं तुम्हें मोस्ट रिपीटेड में तो ये रही तुम्हारे मोस्ट रिपीटेड हम आ जाते हैं यूनिट नंबर थ्री पे ये ये तुम्हारे यूनिट नंबर थ्री के मोस्ट रिपीटेड

एक बार अब दिखा देती हूं तुम्हें देखो डिफॉर्मेशन प्रोसेस कोल्ड वर्किंग पूछ लिया पहला स्केच so, बनाने को बोल दिया आज सकता है मतलब तुम्हारे ऑपरेशन होता है जिसका दूसरा नाम है ठीक है ऑपरेशन पूछ लिया उसने केस हार्डनिंग पूछ लिया उसने कब रिक्वायर्ड होती है ये पूछ लिया प्रोसेस पूछ लिया वायर ड्रॉइंग का विद हेल्प ऑफ डायग्राम फिर उसने पूछ लिया फॉर्जिंग ड्रॉप फॉर्जिंग बता दो प्रेस वॉर्जिंग बता दो डायग्राम के साथ बता दो एक्सट्रूजन और टाइप्स बता दो यही बोला था फॉर्जिंग मेजर है

लगवा देते हैं हम अपना लोगो वगैरह ये हमारी नहीं है तो हमने नहीं लगवाया बिकॉज टाइम नहीं मिला था बनाने का तो ये हॉट हॉटकोल्ड वर्किंग आ गया हॉट हॉटकोल्ड वर्किंग में बेसिकली तुमसे डिफरेंस पूछा जाता है अगर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो क्या डिफरेंस होता है दीदी जो ये दोनों तो चीज़ें किस पर वेस्ट होती है टेम्परेचर पर बेस्ड होती है जैसे कि दिख रहा है हॉट और कोल्ड तो किसके बेसिस पर टेम्परेचर के बेसिस पर रिक्रिस्टलाइजेशन एक टर्म होती है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर पर हो रहा है तो आप उसे हॉट वर्किंग बुलाते हो अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे पे हो रहा है तो आप उसे क्या बुलाते हो कोल्ड वर्किंग बुलाते हो ये एक मेजर डिफरेंस है जो तुम्हारा एक मिनट एनसाइन अच्छी होती है

यार मुझे सेटिसफेक्शन नहीं आती जब तक मैं कर लेती ये रोलिंग है ठीक है ये रोलिंग का डायग्राम है करके जाना रोलिंग की रिफाइन और डायग्राम आ जाता है शॉर्ट नोट लिखने के रूलिंग पे यहाँ गया तुम्हारा फॉर्जिंग फॉर्जिंग का ये है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन के बाद ये उसकी एडवांटेज दी हुई है यहाँ पे उसकी डिसएडवांटेज दी हुई है इतनी सारी लर्न करने की नहीं है जस्ट थोड़ी बहुत कर लेना यहाँ पे क्लासिफिकेशन है हैंड फॉर्जिंग और मशीन फॉर्जिंग के बीच में

उसके बाद क्या दिया हुआ है तुम्हें यहाँ पे क्लोज डाइप फॉर्जिंग और इम्प्रेशन डाइफिंग जो क्लोज डाइफ फॉर्जिंग उसमें बिल्कुल ही फ्लैश फॉर्म नहीं होता ये देखो ये रहा फ्लैश तो यहाँ पे थोड़ा सा है तो इंप्रेशन फॉर्जिंग है जिसमें बिल्कुल ही नहीं होता वो कौन सी होती है क्लोज फॉर्जिंग होती है तो ये ऑपरेशन हो गए तुम्हारे इसमें उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका ड्रॉप फॉर्जिंग क्या होती है और हाइड्रोलॉनिक फॉर्जिंग क्या होती है ड्रॉप से जैसे कि समझ आ रहा है हैमर से मारते हो तो क्या हो जाती है ड्रॉप फॉर्जिंग सेकंड प्रोसेस आ गया यहाँ पे एक्सट्रूजन एक्सट्रूजन में दो टाइप्स होते हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड एक्सट्रूजन जल्दी से दिखा देते हैं ये यहाँ पे उसके एप्लीकेशन वगैरह दिए हुए हैं ये है तुम्हारी फॉरवर्ड एक्सट्रूजन आपने यहाँ से राम पे धक्का मारा और यहीं से बाहर निकल गया तो क्या फॉरवर्ड आपने धक्का पीछे मारा और प्रोडक्ट आगे निकला जब दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या बुलाते हो आप इसे बैकवर्ड फोर्सिंग इसके ऊपर डिफरेंस करके चले जाना एक्सट्रूजन के अंदर ठीक है सबसे पहले एक्सट्रूजन क्या होती है एक्सट्रूजन के टाइप्स क्या होते हैं बताए मैंने दो टाइप्स होते हैं एक बैकवर्ड एक होता है फॉर्वर्ड यह कौन सा है फॉरवर्ड है बैकवर्ड भी दिखा देती हूँ जल्दी से तो यहाँ पे क्या हो रहा है जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट बाहर आ रहा है यहाँ पे तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगानी एक्सट्रूजन और रोलिंग के बीच में होता है। ठीक है? तो जिस, uh, uh, में आप प्रेशर क्या लगा रहे, लगा रहे तो क्या हो रहे लगा रहे अंदर लगा रहे हो ठीक है यहां से यह जो प्लंगर है यहां से आप प्रेशर लगा रहे हो इन जगहों से अंदर साइड और प्रोडक्ट आ रहा है बाहर साइड तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स uh, यहां पे लग रही है प्रोडक्ट यहां से आ रहा है इसमें नाम क्या है बैकवर्ड है ऑल साइड समझ में आ गया एक डिफरेंस का पॉइंट और आ जाता है कि एक में फ्रिक्शन ज्यादा होती है एक में फ्रिक्शन कम होती है एक में वेस्ट जनरेट ज्यादा होता है एक में फेस जनरेट कम होता है ऐसा ही इसका डिफरेंस है नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है वो कर लेना ये रहा ठीक है यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया यहाँ पे आ गया कि कम वेस्ट जनरेट होता है ये ये वाला वाला पॉइंट पॉइंट समझ में आ गया पार्ट नंबर वन वी हैव डन विद नेक्स्ट जाते हैं पार्ट नंबर टू पे यार पार्ट नंबर टू जो आ जाता है तुम्हारा वो इसमें से कराती हूँ दूसरी पी में से इसलिए मैंने तुम्हें दोनों पी दी थी क्योंकि दोनों में अलग अलग कंटेंट था तो शुरू का पार्ट था वो उसमें अच्छा था जो लास्ट का पार्ट है वो इसमें अच्छा है यहाँ मैं तुम्हें सीधा लास्ट के पार्ट पे ले जाती हूँ इसके ये रहा देखो एक्सट्रूजन आ गया एक्सट्रूजन के यहाँ पे इसने डायग्राम दिखा दिया तो डायग्राम के साथ करके जाना जो भी चीज़ करके जाओगे रहा तुम्हारा फॉरवर्ड ये रहा तुम्हारा बैकवर्ड ये, ये है फॉरवर्ड ये है बैकवर्ड जिसमें देख रहे हो अपोजिट दिख रहा है यहाँ पे यहाँ पे सेम डायरेक्शन दिख रहा है ये देखो ये देखो और यहाँ पे ये देख लो नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सट्रूजन के बाद ड्रॉइंग ड्रॉइंग में सिर्फ एक होता है जो मैंने अभी तुम्हें बताया था ड्रॉइंग और एक्सट्रूजन में एक ही डिफरेंस है कि जो एक्सट्रूजन है उसमें अपने आप आ रहा है ठीक है ना फोर्स लग रही है तो वो बाहर निकल रहा है यहाँ से पुलिंग फोर्स नहीं है इसमें कौन सी फोर्स है पुलिंग फोर्स है यही डिफरेंस होता है एक्सट्रूजन और ड्रॉइंग के बीच में तो ये डिफाइन कर लेना और डायग्राम कर लेना डिफाइन डायग्राम डिफाइन डायग्राम नीचे वाले पार्ट में सिर्फ डिफाइन और डायग्राम ही आने चाहिए तो मैं ड्राइंग क्या होता है देखो ड्राइंग के बारे में पूरा इसने दोबारा से बता दिया कि फोर्स लग रही है ये देखो बाहर साइड तो इसलिए ये ड्राइंग है जिसमें फोर्स नहीं लगती व्या होता है एक्सट्रूजन शीट मेटल वर्किंग पे आ गए अब हम दिखा देती हूँ मैं जल्दी जल्दी तुम्हें कटिंग ऑपरेशन होते हैं बेंडिंग ऑपरेशन होते हैं ड्रॉइंग ऑपरेशन होते हैं और शीट पे जो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहे वो होते हैं देखो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया तुम्हारा इसमें मेटल मेटर शीट पर नहीं करना नहीं करना ये सब नहीं करना नहीं 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 जहाँ पे करना है वहीं पर लेकर चलती हूँ सीधा ये देखो येरा कटिंग कटिंग का नाम होता है यहाँ पे शेयरिंग कटिंग नहीं बुलाते क्या बुलाते हैं शेयरिंग जो तुम सीजर से काटते हो दैट इज शेयरिंग कटिंग नहीं होता कटिंग यहाँ पे क्या होता है कि जस्ट तुमने एक मेटल के पीस से दूसरा मेटल का पीस लाया और उसे ऐसे नीचे ब्रेक डाउन कर दिया जो तुम्हें नहीं चाहिए था बेंडिंग क्या होता है कि उसके एक के राउंड रोटेट कर दिया ड्राॅइंग मतलब मैंने तुम्हें बता दिया था नेक्स्ट जाते हैं कटिंग गेरा यही वाला शेयरिंग बिटवीन टू शार्पेज ये होता है कटिंग बताया था कि टू शार्पेज के बीच में क्या बुलाते हो तुम शेयरिंग यहाँ पे आ गया शेयरिंग ब्लैंकिंग और पंचिंग तो साथ में दिखा देती हूँ कैसे होते हैं ये

उसके बाद आगे बेंडिंग दो टाइप की होती है हो, एक होती है वी एंडिंग और एक होती है एच एंडिंग जो वी होती है वो होती है बीच में से जैसे कि यहाँ पे हुआ वो होता है एज बेंडिंग होती है तो तुमने एज की साइड से उसे बैंड कर दिया है मैंने बहुत जल्दी जल्दी कराया है आई नो क्योंकि यार मेरा भी पेपर है तो मुझे भी पढ़ने जाना है इसलिए मैंने जो प्रेस चीजें थी उसे टाइम लगा के कवर करा है राधर दिन जिसमें टाइम नहीं देना चाहिए बिकॉज ये तुम तो डायग्राम बना के लर्न कर लोगे तो हो जाएगा ईजी पीजी है ट्रस्ट में जो चीजें आनी थी वो मैंने तुम्हें बता दी कैसे कैसे करना है वो भी बता दिया यूनिट नंबर थ्री यहाँ पे खत्म हो जाता है मैंने तुम्हें बता दिया कि दोनों में से ऑप्शन आता है हाँ बट यूनिट नंबर थ्री में तुम दोनों पार्ट्स करके चले जाना बिकॉज दोनों पार्ट्स ठीक है यूनिट नंबर फोर में प्रिस्क्राइब करूंगी कि पहले पाउडर मेटलर्जी को ही प्रेफरेंस देना वाई बिकॉज पाउडर पर मेटलर्जी इज क्वाइट शॉर्टर देन दैट ऑफ योर अनदर पार्ट मैं फटाफट -फ़्ट से लेके चलती हूँ तुम्हें तो पीडीएफ में मस्जू पे आ गई मैं यहाँ पे मस्जू में ये देखो ये रहा यूनिट नंबर फोर तो ये है पाउडर मेटलर्जी और ये है सारा का सारा नीचे का ठीक है ना ये है सारा का सारा नीचे वाला पार्ट तो यार और में ज्यादातर क्वेश्चन आ ही जाता है तो सबसे पहले अपना पाउडर मेटलर्जी को प्रेफरेंस देना उसके बाद अपने नीचे वाले पार्ट में आना इस वीडियो में तुम्हें तो पाउडर मेटलर्जी के बारे में बता देती हूँ ठीक है देखो यहाँ पे पाउडर मेटलर्जी इस वाली पीडीएफ से समझाती हूँ इसमें अच्छे से दी हुई है तो यहाँ पे आ गए हम पाउडर मेडलर्जी पे जो पाउडर मेड एलर्जी बेसिकली होता क्या है पाउडर को मैश करके एक चीज़ बनाना पाउडर से मैश करके आप जब एक फाइनल प्रोडक्ट बना के देते हो दैट इज पाउडर मेट इसमें बेसिकली फाइव स्टेप्स होते हैं जैसे कि पाउडर को कलेक्ट करना ब्लेंड करना सेंटर करना ऐसे ऐसे पाँच स्टेप हैं वो करने होते हैं तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ फटाफट से नीचे ला के फ्रंट पेज रीड करने की नीड नहीं है तो मैं यहाँ से पाउडर मेटलर्जी के स्टेप्स देखने हैं। तो फॉर्मेशन सबसे पहले आप पाउडर का करते हो उसके बाद पाउडर को आप ब्लेंड कर देते हो जिससे कि सारे पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं आपस में मिल जाएं उसके बाद आप कंप्रेस करते हो कंप्रेस क्यों करते हो जिससे कि पाउडर और क्लोज आ जाए फिर आप क्या करते हो सिंटरिंग करते हो सिंटरिंग मतलब होता है कंट्रोल टेम्परेचर पर उसको गर्म या ठंडा करना फिर आप लास्ट में क्या कर देते हो सब्जेक्टेड आर्टिकल्स को निकाल लेते हो तो पहला स्टेप आ गया पाउडर मेटलर्जी जैसे इसमें पॉइंट्स की फॉर्म में दिया हुआ है ऐसी लिखना बेस्ट तरीका और बता देती हूँ क्योंकि साढ़े बारह नंबर का आता है तो क्या कर सकते हो एक फ्लोचार्ट बनाना पाउडर मेटलर्जी पांचों स्टेप सीख देना जैसे कि कॉम्पेक्शन हो गया सेंटरिंग हो गया ब्लेंडिंग हो गया सब करके पांच स्टेप उसके बाद नीचे आकर के हेडिंग डालना उसके बारे में चार परसेंट लिख देना हेडिंग डालना चार परसेंट लिख देना हेडिंग डालना चार परसेंट लिख देना तुम्हारा आराम से ढाई पेज भर जाएगा टेन विद इट तुम्हारे आधा पेज पर पे फ्लो चार्ट आ गया नीचे लो तुमने एक पॉइंट और एक्सप्लेन कर दिया दूसरे पेज पे तुमने तीन पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए पीछे जाके तुमने एक पॉइंट और एक्सप्लेन कर दिया तो कितने पेज भर गया दीदी हमारे आराम से ढाई पेज भर गए समझ में आया कैसे कर सकते हो तो यार जगह अच्छे से लेके आना जगह मतलब अच्छे से भर के आना शीट्स को ऐसा नहीं कि खाली छोड़ दो बिकॉज़ कॉलेज एग्जाम्स में ज़रूरी होता है कि तुम चीज़ें करके आ रहे हो कुछ भी चीज़ छोड़ के बिल्कुल नहीं आओगे मैं स्टिल तुम एक बार दिखा देती हूँ जो भी बता दिया था पहले कॉम्पैक्ट पाउडर को कलेक्ट करना उसके बाद यहाँ पे ये यह जो सब चीज़ें नहीं करनी पाउडर कॉम्पैक्ट कर लिया उसके बाद आ गया यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ मिक्सिंग और ब्लेंडिंग मिक्सिंग कर दी ब्लेंडिंग कर दी सेकेंड स्टेप थर्ड आ गया कॉम्पैक्शन या कंप्रेस करना उसके बाद आ गया आपका लास्ट में सेंटर करना सेंटर मतलब क्या होता है उसे एक परफेक्ट टेम्परेचर uh, पे सेंटरिंग प्रोसेस इज द हीटिंग ऑफ द कंपेक्टेड प्रोडक्ट एज फॉरनेस टू ग्लो द मेल्टिंग पॉइंट एट लीज ऑफ द मीजो कॉन्सिटेट एंड कंट्रोल एटमोस्फेर कंट्रोल एटमोस्फेर पर उनको साथ में ला करके हीट अप करना दैट इज कॉल्ड कॉल्डरिंग सेंटरिंग से क्या होता है कंप्रेसिव लोड बढ़ जाता है टाइप ऑफ मेरल और इस करता है ये सब चीज़ें हो जाती है इसके बाद इसके एडवांटेज कर लेना डिसएडवांटेज कर लेना और एप्लीकेशन कर लेना खत्म हो होना ठीक है ढाई नंबर ढाई पेज से भी अगर तुम्हारा मन नहीं भरता तो तुम्हें ऐसा लगता है ढाई पेज नहीं भर पा रहा तो एडवांटेजेस लिख देना थोड़ी सी थोड़ी सी एडवांटेजेस और इसको कंप्लीट कर देना इसी के लिए मैंने एक और पीडीएफ भी अटैच करवा दिया तुम्हारे लिए तो तुम्हें दो पीडीएफ अटैच होकर मिलेंगी दूसरी पीडीएफ भी यही भारतीय पीडियो की मुझे इसका कॉन्टेंट अच्छा लगा था बिकॉज उसने यही चीज डायग्राम के साथ बताई थी टाइप्स ऑफ प्लास्टिक के लिए तुम इसको भी प्रेफर कर सकते हो प्लस में दूसरी पीडीएफ भी मैंने अटैच करवाई है उसको भी प्रेफर कर सकते हो है टाइप्स ऑफ प्लास्टिक टाइप ऑफ प्लास्टिक आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग इन द वीडियो बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन जमाते हैं स्टिल एक बार तुम्हें मैं दिखा देती हूँ टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ये देखो ये यूनिट नंबर फोर के पाउडर मेटलर्जी का पार्ट पाउडर मेटलर्जी में देख रहे हो सीधा साढ़े बारह नंबर सीधा छह नंबर सीधा सात नंबर सीधा आठ नंबर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पी एफ ओवरव्यू कर लेना साथ में लेके बैठना अच्छे से करके आना यार मेरा एग्जाम एक्चुअली कल इसलिए थोड़ी हरी में हो रही हूँ मैं भी क्योंकि मैं बारह बजे बैठ जाती हूँ पढ़ने इट्स ऑलरेडी ट्वेल्थ तो ये है इसका सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट जो है ना अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है तो ज्यादा कुछ खास चीजें नहीं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक पूछ लेगा थर्मोफोल्डिंग थर्मो बट ये लर्निंग करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो पहले पाउडर मेटलर्जी को कम्प्लीट करके फिर इसमें आना नीचे वाले वाले में में प्लास्टिक वाले पार्ट में। मैंने तुम्हें सारा बेस्ट स्टडी मटीरियल प्रोवाइड करवा दिया अपने साइड से अच्छे से पढ़ना कुछ छोड़ के नहीं आना अच्छे से शीट भर के आनी है जितना लिख सकते हो उतना लिख के आना है अगर थोड़ा सा भी आता है तो उसके बारे में पूरा लिख के आना है दो पेंस का यूज कर लेना अच्छे से करके आना पॉइंट की फॉर्म में लिखना विद डायग्राम्स बनाना डायग्राम के लिए भी, भी किसी को हो तो भाई बना बना के करो मैंने हर वीडियो में यही बोला है कि लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे बिकॉज अब आपकी स्कूल की आदमी छूट चुकी है टाइम हो गया तीन चार महीने हो गए नहीं पढ़ा है मुझे भी पता है मैंने भी नहीं पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में हम कॉलेज के टाइम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा हाथ वर्क नहीं करता इसलिए हमें लर्न करने में इशू आता है बिकॉज तीन चार महीने बाद पढ़ने बैठे हो ठीक है तो लर्न करना लिख लिख के लर्न करना आ, अगर बहुत सारा लिखा हुआ है तो उसकी सिर्फ दस लाइनें लिख के लर्न कर लोगे तो भी काम बन जाएगा डायग्राम्स को बार बार बनाना बिकॉज डायग्राम्स डायग्रामो ना खास करके वेल्डिंग वाले डायग्राम्स हो गए तुम्हारे इसमें शेयरिंग कटिंग पियर्सिंग ब्लैंकिंग वाले डायग्राम हो गए उसका क्वेश्चन फिक्स होता है उसे अच्छे से करके जाना लास्ट में जो मैं हमेशा बोलती हूँ ऑल जूनियर यू कैन फॉलोर सोशल प्लस में साइट की हेल्प ले सकते हो साइट विदाउट एनी एड्स बनाई गई है विदाउट मोनिटाइजेशन बनाई गई है जस्ट फॉर यू जस्ट फॉर योर हेल्प जैसे कि मैंने बताया था आज मेरे पास पेन टैब नहीं था इसलिए थोड़ा सा इशू हुआ नो no इशूज अच्छे से करके आना सारी मेहनत होनी चाहिए ऑल द बेस्ट टेक केयर यू एक